प्रत्यार्ति हौं प्रणत पाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंशे विभूषित करान्दवनीर्दाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम् बातात्मजं वानरयो मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने जय जय चोर प्रभु जय जय माखन परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्प करु तड़ित ज्योति विनंदक पीताम्बर धारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं सप्त दिवसीय ज्ञान यज्ञ श्रवण करने हेतु संवेत रूप से एकीभूत समस्त भगवत भक्त भाइयों भक्तिमती माताओं बहनों बेटियों मंचासीन विप्र चरणारविंद संत चरणारविंद दृश्य अदृश्य रूप से विराजमान भगवान के सभी पार्षदगण सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण स्वरूप भागवत महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम तदोदय ददो दयते विवेक। भगवान व्यास कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन महाराज श्री एक जन्म के किए हुए पुण्यों से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। बहु जन्म समर्जितेन कई जन्मों के अंदर जब हम पुण्य कर्म करके आते हैं इस जन्म के अंदर जब वो पुण्य कर्मों से हमारा वो अकाउंट फुल हो जाता है भर जाता है खाता
सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही। तब मनुष्य को भगवान का सत्संग, भगवान के संत, भगवान की कथा ये श्रवण करने को मिलती है। और उस कथा से क्या होता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार है। संसार के अंदर समस्त प्राणी मोह और मद, अहंकार और ममता इसमें ही जी रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है कि अज्ञान हमको ढक लेता है। अज्ञान का हेतु क्या बताया भागवत ने, मोह और मद, अहमता और ममता। जब तक अहमता ममता रहती है तब तक जो हमको इससे प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, उसमें विलंब होता है। होगा तो इसी से, लेकिन जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो उसको समझ करके उससे अलग हो जाना चाहिए। नाशम विधायी तदो, सत्संग से क्या होगा, उस अहंकार और ममता का विनाश होगा। अहंकार किसको कहते हैं, हर चीज के अंदर अभिमान, मैं ऐसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, मैं जमींदार हूं, मैं मालदार हूं, मेरे इतना बड़ा परिवार है, मेरी संसार में बहुत प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है, ये सब अहंकार है, अभिमान, अभी का अभिमान, जो अभी हमारे पास में है उसको मान करके हम बैठे हैं, जबकि वो हमारा नहीं है। तुम मानोगे तब भी तुम्हारा नहीं है, और तुम नहीं मानोगे तब भी तुम्हारा नहीं है। तो मोह और अज्ञान जब नष्ट हो जाता है, तदो दैते विवेक है, तो उससे क्या फल मिलता है, बोले उसको विवेक की प्राप्ति होती है। मोह निशा सब सो निहारा, मोह निशा सब सो निहारा, मोह निशा पर सो निहारा, देखिए सपना अनेक प्रकार, देखिए स्वपन अनेक प्रकार, मोहन सोहन मोहन सब सो। जब सिया राम चरण अनुराग, जब सिया राम चरण, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। अच्छा आप सब लोग बताओ, आप लोग जाग रहे हो क्या, सो रहे हो, जाग रहे हो ना, सो ही रहे हो। माताओं आप में से जाग रही हो कि सो रही हो, जाग रही हो नहीं, शोर तो नहीं सुन रही कथा। इसको जागना नहीं कहते हैं, आंखों से जो हम देख रहे हैं ना ये जागना नहीं है। भागवत कहती है
कि मोह निशा सब सोवन हारा। ये मोह की ममता की रात्रि में हम सब सो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रात में जब नींद आती है तब क्या देखते हैं अपन, सपना। तो देखे ही सपन अनेक प्रकारा। अच्छा सुबह कैसा सीन देखा तुमने मंदिर पे, वो सीन अब है क्या? फिर गांव में यात्रा निकली, जब वो सीन था वो अब है क्या? फिर कलश यात्रा शुरू हुई, वो सीन अब है क्या? अब जो चल रहा है वो 6 बजे रहेगा क्या? ये क्या है, सपना ही है। और सपने का ये नियम है कि एक सपने को आपने जीवन में एक बार देख लिया उसको दोबारा आप नहीं देख सकते, ये संतों का अनुभव है। अगर आपने दोबारा उसको देख लिया तो वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। और सपना वो कहलाता है जिसको एक बार देख लिया वो दोबारा देखने में नहीं आता है। तो ऐसे ही हम जो संसार को देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं, इनको एक बार हमने जो देख लिया दोबारा हम इनको नहीं देख सकते। आप कहोगे सुबह देखा, दोपहर को देखा, शाम को देख रहे हैं, कल भी देखेंगे, देखते देखते 50-60-70 वर्ष हो गए, देख ही तो रहे महाराज, देख रहे हो, लेकिन वो नहीं देख रहे हो जो तुम देखते हो। जिसको तुम देख रहे हो वो निरंतर छूटता जा रहा है। जैसे एक नदी पानी बह रहा नदी में, अब आपको उस नदी में पानी पीना है तो आपने ओक भर के और पानी लिया, पी लिया। अब दोबारा आप उस पानी को पी सकते हो क्या? जिस जगह से आपने पानी लिया है उस पानी को दोबारा पी सकते हो? जब तक आप उसको पी के दोबारा पानी भरोगे बस में, तब तक वो जो पानी था वो पता नहीं बड़ घाटे पहुंच गया वो। तो जैसे पानी को हम दोबारा नहीं पी सकते बहते हुए को, ऐसे ये संसार है, इसको एक बार देख लिया दोबारा आप नहीं देख सकते। इसलिए कहते हैं संसरतीति संसार है, जो निरंतर संसरण होता है, जिसमें छीजत होती है वो संसार कहता है। जो बहता है रुकता नहीं है वो संसार है। ऐसी सपना है, सपना कभी रुकता नहीं है। पूरी रात अगर सपना आएगा आपको भूत पीछे भागेगा, आपको लग शंका लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, डर सता रहा है, सपने पे सपना चलता रहता है। जब तक वो सपना नहीं टूटे तब तक सपना सच्चा है। लेकिन वो सपने पे कब हंसी आती है कि जब वो सपना टूट जाता है। एक भक्त आया मेरे पास और बोला महाराज आज तो मैं मराई होता, बड़ी मुश्किल से बचा। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज मैं सो रहा था रात को तो सपने में मेरे ऊपर पंखा गिर गया आकर के। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही पंखा गिरा और मेरी नींद खुल गई, नींद खुल गई तो फिर क्या हुआ? बोले मैंने देखा कि पंखा तो ऊपर लटक रहा है, मेरे ऊपर तो कुछ गिरा नहीं, मुझे बहुत हंसी आई। तो सपने में हम कुछ भी देखते हैं, जब सपना टूटता है तब हमको हंसी आती है। अरे सारी रात भूत के डर के मारे भागते हुए पूरी रात निकल गई, और अपन जब आंख खुलती है सपना टूटता है तो बिस्तरों पे आराम से सोते हुए अपने आप को पाते हैं। पाते कि नहीं? कितना भी सपना आ जाए, सपने में कितने भी भाग लें हम, कितने भी रो लें, लेकिन जब सपना टूटता है तब अपने बिस्तर पर सोए हुए पाते हैं। ऐसे ही जिनका भगवान की कृपा से, भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से जिनका सपना टूट जाता है, वो फिर वो जग जाते हैं। और वो जो जग जाते हैं तब उनको हंसी आती है कि जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था, मैंने पूरा जीवन अनंत जन्म मैंने निकाल दिए और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये भगवान की जो कथा है ना, ये भागवत की कथा। अगर आपको कर्म सुधारना है तो गीता का श्रवण करो, अगर आपको जन्म सुधारना है तो रामचरितमानस को पढ़ो, और अगर आपको मरण सुधारना है तो भागवत को सुनो। भागवत मनुष्य का मरण सुधारती है। धुंधकारी को देखो, मरण सुधारा उसका,
परीक्षित जी को देखो, मरण सुधारा उसका, जिस जिसने जीवन का कोई पता नहीं, जीवन सुधारने की जरूरत नहीं है, जीवन तो मिल गया, अब आगे हमको जीवन मिले नहीं मिले, हमारा मरण ऐसा हो जाए कि अंत काल में हमको भगवान की याद आ जाए, यही मरण के सुधरने का तरीका है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार जन्म लेते रहो, बार बार मरते रहो, बार बार मां के गर्भ में 9 महीने का नर्क भोगते रहो। इसलिए इस जन्म में अब ये संकल्प कर लेना चाहिए कि अब खाई जो खाई, अब खाई तो राम दुहाई, अब जन्म हो गया जो हो गया, आगे हमको जन्म नहीं लेना है, ऐसा संकल्प करके कथा सुनोगे तो 7 दिन के अंदर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ये 7 दिन का आयोजन, 7 दिन की कथा आपको अलग से सुनाऊंगा, 8 दिन का प्रोग्राम है, आज सिर्फ भागवत का माध्यम श्रवण करो, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं, स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसकी महिमा सुनते हैं, क्योंकि कार्तिक को स्नान करने से ये फल मिलता है, माँ का स्नान करने से ये फल मिलता है, गंगा जी का स्नान करने से ये फल मिलता है, तभी तो हम करते हैं उसको, क्योंकि हमको महिमा का पता चलता है, पैसे की महिमा का हमको मालूम है कि पैसे से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। इसलिए हे पैसा, तू खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है, बिना पैसे के आयोजन होगा क्या, न धर्म होगा, न कर्म होगा, न पुण्य होगा, न तीर्थ होगा, न व्रत होगा, न जप होगा, न तप होगा, न दान होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने ये मान लिया कि पैसे से ही सब कुछ होगा, इसलिए हम पैसे कमाने के पीछे पड़ गए। जिसने इज्जत को मान लिया कि संसार में इज्जत ही सब कुछ है, वो इज्जत कमाने के पीछे पड़ गया। जिसने समझ लिया कि संसार में जमीन ही सब कुछ है, वो जमीन इकट्ठी करने के पीछे पड़ गया। चाहे नीति से आए, अनीति से आए, एक एक कूड़ हर साल तोड़ूं, लेकिन पड़ोसी की जमीन को धीरे धीरे दबा लूं, कितनी साथ में लेके जाओगे। अगर हमारे बाप दादा कुछ लेकर के गए होंगे तो हम भी लेके जाएंगे। ऐसे परम भाग्यवान हैं आप सब और मैं भी, कि हमको भगवान मधुपुरी बालाजी के इस सन्निधि में, पवित्र प्रांगण में 7 दिन भगवान की भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसके लिए हमारे मुख्य यजमान श्री जगदीश प्रसाद जी और इनका पूरा परिवार, ये बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा सत्कर्म का मन में संकल्प किया और भगवान ने इनके संकल्प को पूरा करने के लिए आज ये अवसर और सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसे यजमान परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सज्जनों, भगवान व्यास जी ने भागवत की महिमा बताते हुए प्रारंभ में ही मंगलाचरण किया है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों की ये परंपरा है कि सबसे पहले मंगलाचरण होता है और शादी विवाह में भी होता है। अरे भाई कछ उगेरो री, गणेश जी उगेरो, पहले गणेश जी गाते हैं ना, कोई भी बात होती है, काम होता है तो मंगलाचरण। मंगलाचरण किसको कहते हैं, जिस आचरण को करने से हमारा मंगल होता है वो मंगलाचरण होता है। तो आइए भागवत के महात्म्य में हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप सबके मध्य में भागवत श्रवण का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उससे मेरे हृदय के अंदर बहुत इतना हर्ष है कि मैं उसका मेरी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनुग्रह उनकी कृपा से वैसे तो ये 439वीं भागवत थी लेकिन बीच में एक और आ गई अचानक इसलिए ये 440वां नंबर हो गया महाराज। लेकिन हमेशा ये सोचता था व्यासपीठ पर बैठ करके कि प्रभु कभी ऐसा भी अवसर आएगा कि मैं देश में विदेश में कथा सुनाता हूं लेकिन मेरी जन्मभूमि में भी कोई मुझे बुलाने वाला मिलेगा जो मुझे ये सौभाग्य प्रदान करेगा कि मैं अपनी जन्मभूमि के अंदर और इस प्रसाद का वितरण करूं। तो आज मुझे अत्यंत हर्ष है कि भाई जगदीश जी और इनके परिवार ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया और आज मैं मेरी जन्मभूमि के अंदर आप सबके बीच में वैसे तो ये बरसाने की मंडली है, मैं तो नंदगांव का हूं समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन नंदगांव और बरसाना का मिलन होता है ना तो कोई ना कोई उत्सव जरूर होता है। तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि जन्मभूमि का विस्तार ससुराल तक हो गया और पियर से तो सबको सौभाग्य मिलता ही है लेकिन ससुराल से बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है पटवारी जी। इसलिए भी मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं कि जामाता दसमो ग्रह, जो जमाई है ना वो दसवीं ग्रह होता है, लेकिन फिर भी मुझे ये सौभाग्य आपने प्रदान किया और सब कुछ आपकी कृपा से आपके अनुग्रह प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ जीवन में, इसलिए मैं आप सबके प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और अब मैं व्यासपीठ से आपको भागवत श्रवण करवाने के लिए निवेदन करता हूं। तो भगवान व्यास जी ने मंगलाचरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान जिनका नाम क्या है सत्चित आनंद और उनका काम क्या है, एक ही मंत्र के अंदर पूरी भागवत, चार वेद, चार उपवेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, सबका निचोड़ अगर कोई पकड़ लेना तो एक श्लोक से ही कल्याण हो जाए उसका। हरे तो बोल दिया करो। हमारे वो गांव में बाबा लक्ष्मण था पटेल, वो हमारे पिताजी दादाजी की कथा में मैंने देखा बचपन में, ऐसी हरे बोलता था जो कोसरा में सुन लेते थे। तो बीच बीच में हरे जय हो ऐसे भगवान के नामों का उच्चारण होते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे, धीरे से बोलना, ज्यादा जोर से मत बोलना, राधे राधे जय हो। तो भगवान का नाम क्या है, स्वरूप क्या है, बोले भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। अच्छा भगवान का काम क्या है, तो तीन स्वरूप बताए, तीन ही काम बताए कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति करना, फिर उसका पालन करना और फिर उसको विनाश करना, ये तीन काम है। और फिर भगवान का फल क्या है, साहब भगवान के नाम सुनने का, भगवान की कथा सुनने का, उनको जानने का फल क्या मिलेगा, बोले तापत्रय विनाशाय,
तीनों तरह के तापों का विनाश हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसी भगवान श्री कृष्ण को हम सब श्रोता और वक्ता सब नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य किसको कहते हैं? जो हमेशा रहता है, त्रिकाला बाधित सत्य, इस संसार से पहले भी जो था और संसार नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा और संसार है तब भी वो है, ऐसा जो कोई है उसको सत्य कहते हैं। इसलिए भगवान की स्तुति की, जब देवता आए गर्भ में, भगवान आए माता देवकी के, तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने स्तुति की, तो सबसे पहले क्या स्तुति की? बोले सत्य प्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियते च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे भगवान, आप ही परम सत्य हैं, त्रिकाला बाधित सत्य आप ही हैं, तीनों काल में आप ही हैं, ये भगवान का सत्य स्वरूप है जो हमेशा हमारे अंदर रहता है। इसको ध्यान से समझ लेना। बचपन में भी हम थे, जवानी में भी हम थे, बुढ़ापे में भी हम हैं, लेकिन बचपन में जैसा शरीर था, जैसी इच्छाएं थी, वो जवानी में नहीं रही, बदल गई ना। बचपन में पेड़ों पे गुलाम लाकड़ी, गिल्लू डंडा, अंटी खेलते थे, अब जवानी में कोई खेले तो उसको क्या कहेंगे लोग? इसका स्क्रू ढीला हो गया, दिमाग का सरक गया इसका, इस उम्र के ये काम है कोई? तो रुचि बदल गई, काम बदल गया, फिर बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापे के अंदर फिर जवानी के काम छूट गए। नहीं तो बुढ़ापे में कोई जवानी का काम करता है तो क्या कहते हो? अरे भैया, क्यों बुढ़ापा भड़का रही थे? यही कहते हैं, बुढ़ापा मत भड़का है, बुढ़ापे में बुढ़ापे की तरह रहो, जवानी में जवानी की तरह रहो, बचपन में बचपन की तरह रहो। तो शरीर कभी नहीं रहा, बदलता रहा, लेकिन हम हमेशा रहे, इसलिए हम भगवान के सत्य स्वरूप हैं। लेकिन हम सत्य तो हैं, हम सत्य को जानना तो चाहते हैं, लेकिन इस शरीर को साथ में रख करके जानना चाहते हैं, इसमें घुलमिल करके जानना चाहते हैं, इसलिए हमको सत्य का अनुभव नहीं होता है। शरीर से अलग हट करके जब तुम अनुभव करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि जैसे भगवान सत्य है, ऐसे हम सब भी सत्य हैं। हम सदा से हैं और सदा रहेंगे। जैसे भगवान का अभाव नहीं होता है, ऐसे हमारा भी अभाव नहीं होगा। चित्त, चित्त किसको कहते हैं? चित्त कहते हैं ज्ञान को। हर प्राणी कुछ न कुछ जानना चाहता है। जब बच्चा छोटा होता है तब अंगुली पकड़ के चलता है तो पिताजी से क्या पूछते थे? पिताजी ये क्या है? बोले पेड़ है। ये क्या है? बोले पक्षी है। ये क्या है? बोले ये खेती है, ये मकान है। पिताजी से हर बात पूछते, क्योंकि वो ज्ञान का स्वरूप है, वो जानना चाहता है, इसलिए उसके जिज्ञासा है। लेकिन उसके पिताजी भी संसारी हैं, इसलिए वो उसको कहते हैं ये तेरी माँ है, ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरा घर है, ये तेरा खेत है, खलियान है, ये शिक्षा देते हैं हम। अगर उसको उसी समय जैसे मदालसा, जैसे बच्चा जन्म देती और पल्ले में झुलाती, उसी समय उसको ब्रह्म ज्ञान दे देती थी कि तू शरीर नहीं है बेटा, तू तो ब्रह्म का अंश है, तू भगवान का अंश है, तो उसको अपना चित्त स्वरूप वो भूल जाता है और वो अज्ञान से ढक जाता है। नहीं तो हम सब ज्ञान स्वरूप हैं। आप कथा सुनने आते हो, सत्संग में आते हो, कोई पूछता है कहां जा रहे हो पटेल जी? बोले कथा सुनवा जा रही हैं भाई, कोई ज्ञान मिल जाए तो। यही कहते हैं ना, ज्ञान सुनवा जा रही हैं। अरे ज्ञान तो तुम हो ही,
ज्ञान को क्या सुनोगे, तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए तुमको अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जितना जितना ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, उतना उतना तुम अज्ञान छाता हुआ चला जाएगा। एक लालटेन है, लालटेन के अंदर हमने ज्योति जलाई और गोला लगा दिया, अब उजाला कम लग रहा है, तो हम उसकी बत्ती को ऊंची करेंगे, तो उजाला तेज हुआ लेकिन धुआं निकलने लगा, और तेज किया और ज्यादा धुआं निकला, और धीरे धीरे वो सारा गोला काला हो गया, अब कुछ दिख नहीं रहा हमको उससे। उसमें तेल भी है, उसमें ज्योति भी है, प्रकाश भी है, ज्ञान भी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन फिर भी उस कालिख ने उस गोले को ढक दिया। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सकृतम् विभुः अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम्, प्राणियों का, जंतुओं का, जिसका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, भगवान को उसको मनुष्य कहने में शर्म आती है, इसलिए वो कहते हैं कि तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य के आकार के एक जंतु हैं, जीव हैं, प्राणी हैं। भगवान को मनुष्य कहने में उनको संकोच आता है, शर्म लगती है। तो मनुष्य कौन है कि जो अपने अज्ञान का विनाश करे, तो कथा से, सत्संग से अज्ञान का विनाश करो। कहीं मौका लगे तो पूछो, महाराज मेरी ये बात समझ में नहीं आई, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। हम पूछते हैं, भाई बोलो, पूछो क्या है, आप ही बता दो महाराज कछु। अब महाराज क्या बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल ढका हुआ है, उसको यही पता नहीं है कि मुझे क्या पूछना है, किस रास्ते पे मुझे चलना है, क्या पूछेगा बेचारा। वो कोई रास्ते चलेगा तब तो पूछेगा कि भाई रोड़ाक का रास्ता किधर से जा रहा है, और जो बैठा ही है चल नहीं रहा है, तो उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। तो साधक का, सत्संगी का ये कर्तव्य है, वो जिज्ञासु बने। दुर्लभ मानसो जन्म है, सबसे पहली दुर्लभ वस्तु क्या बताइए, मनुष्य का जन्म। और दूसरी दुर्लभ वस्तु बताइए, जिज्ञासा पैदा हो जाना, मन के अंदर जानने की इच्छा हो जाए, भगवान क्या है, मैं क्या हूं, संसार क्या है। और तीसरी बात बताइए कि गुरु की कृपा, ये परम दुर्लभ है, जिसको मनुष्य जन्म मिल गया, जिसके अंदर भगवान की जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई, और जिसको सद्गुरु की कृपा मिल गई, ये तीनों चीजें जिसके पास में हो जाती है, भगवान कहते हैं फिर मैं उससे कहीं छुप नहीं सकता, फिर भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो छुप जाए। तो तापत सच्चिदान सत्य और चित। फिर तीसरा स्वरूप भगवान का आता है आनंद। आनंद का मतलब है हम सब सुखी होना चाहते हैं। कोई प्राणी है ऐसा जो दुखी होना चाहता है? किसी कीड़े के भी आप पिंच चुबाओ तो वो अपने शरीर को सिकोड़ देता है। किसी जानवर को आप खाड़ी में धकाओ तो वो आगे पैर रोप देता है कि भैया मैं मर जाऊंगा, मुझे आगे मत धकाए। वो मरने से डरता है, क्योंकि वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है। हम क्यों चाहते हैं, हम सुखी रहना क्यों चाहते हैं? कोई दुखी होना चाहता है क्या? हाथ खड़ा करो, कौन दुख चाहता है? कोई नहीं चाहता है। और सुख कौन कौन चाहता है? सुख कौन कौन चाहता है? हाल तो काहे भी पल्ले नहीं पड़े भाई। सब सुख चाहे कि नहीं चाहो? देखो अब समझा है, सब सुख चाहे, इसलिए चाहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए हम भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हमको आनंद क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम इंद्रियों से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों से कभी, इंद्रियों से आप सुख प्राप्त कर सकते हो,
लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के स्वरूप हैं, ये तीन बातों को 7 दिन तक रोज याद रखना और रोज रात को याद करना कि हम भगवान के स्वरूप हैं। ये पहली बार हमने बताया है और इसी के ऊपर 7 दिन कथा चलेगी। भगवान इस संसार को पैदा करते हैं और वो इसका पालन करते हैं, और जब उनकी इच्छा हो जाती है कि अब हटाओ, बच्चे जाते हैं खेलते हैं मैदान में, मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं, बचपन में सब बनाते हैं कि नहीं, अपन घोंसले बनाते पैरों पे मिट्टी लगा लगा करके, और घर बना लिया, और फिर जीजी ने आवाज दी, आजा बेटा शाम हो गई रोटी खा ले, तो तुरंत जो है उसको मिटा मिट्टू करके हमारी भैंस रावड़ी खाए, और उनकी भैंस ऐसा कहते थे। तो सब मिट जाता है। ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था, पानी पानी था, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, सो रहे थे भगवान, भगवान की इच्छा हुई कि मैं एक ही बहुत सारा हो जाऊं, खेलूं, मैं खेल करूं। एकाकी न रमते, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। भगवान के अकेले का मन नहीं लगा, इसलिए उनके मन में इच्छा हुई कि खेल किससे होगा, दो भीड़ होना चाहिए ना, जब खेल होगा दो पार्टी होनी चाहिए। तो एको हम भविष्य में, मैं एक ही बहुत सारा हो जाऊं, ऐसी भगवान की इच्छा हुई, और ये इच्छा ही भगवान की माया है, ये इच्छा ही भगवान की प्रकृति है। जैसी भगवान की इच्छा होती है तुरंत प्रकृति ऐसी रचना कर देती है। तो भगवान की इच्छा हुई कि एको हम भविष्य में, मैं एक ही बहुत सारा हो जाऊं, तो भगवान ही हम सब के रूप में, पेड़ पहाड़ पृथ्वी सात समुद्र सब के रूप में भगवान प्रकट हो गए। फिर एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि अब तो ये थक गए यार, ये सब खेल वेल अब छोड़ो, अब तो सो लेते हैं, थक गए अब तो। तो जब भगवान की सोने की इच्छा होती है ना, तब जैसे बच्चे शाम के टाइम वो बनाए हुए मिट्टी के घरों को मिटा करके अपने घरों पे चले जाते हैं, मकड़ी जैसे अपना जाड़ा बनती है और उस जाड़ा को फिर अपने मुंह में वापस निगल लेती है, ऐसे ही भगवान उस जाड़े को, अपने संसार को अपने पेट में रख लेते हैं। ये सारा संसार प्रकृति में चला जाता है और प्रकृति भगवान के उधर में चली जाती है, और फिर भगवान 1000 वर्ष तक, 1 कल्प तक सहन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप, 3 तरह के पाप। पाप और ताप में क्या अंतर है भाई रामचरण जी? ये पंडितों की कथा नहीं है, ये तो साधकों की कथा है, सबका रिमांड आएगा जो साधक सामने बैठेगा। हाँ, यही तो परम सौभाग्य की आनंद की बात है। एक तो होता है पाप, दैहिक दैविक भौतिक, 3 तरह से पाप करते हैं हम। शरीर से पाप बनता है, मन से पाप बनता है, और वचन से पाप बनता है। 3 तरह से पाप बनता है। अब शरीर का पाप तो गंगा जी में स्नान कराया तो पाप कट गया, कट जाता, शरीर शुद्ध हो गया। गंगा जी मन को शुद्ध नहीं करती है, गंगा जी से शरीर की शुद्धि होती है। तो तन का पाप गंगा जी से कट गया, वचन का पाप माफी मांग ले, कोई सु गलत बात कह दी तो भाई मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, तो उसका वो पाप कट जाता है। और मन का पाप, मन के अंदर हमने किसी के प्रति बुरा सोच लिया तो उसके लिए प्रायश्चित करो, मन को समझाओ और मन को कंट्रोल करो कि आगे से मेरा मन इस गलत रास्ते पर नहीं जाए, तो मन का पाप उससे कट जाता है। लेकिन फिर मन पाप कर लेता है, फिर वाणी से किसी को गाली दे देते हैं। गंगा जी में नहाने के बाद में, गंगा जी में नहाए, नहा करके और बाहर निकले और डुबकी लगाई तो नाक में पानी भर गया। अब तीर पे आकर के बाहर निकाल सेडो कर ले, गंगा माता मही सीट दिया हमने, तो फिर हमसे पाप बन गया। फिर कोई भीड़ में धक्का दे दिया, उसको हमने कुछ गलत बात कह दी तो फिर पाप बन गया।
यद्यपि गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पापी बने रहते हैं, क्योंकि पाप करने का हमारा जो स्वभाव है ना, वो नहीं जाता है। गंगा स्नान करने से पाप कट जाता है, लेकिन पाप करने का स्वभाव नहीं मिटता है। लेकिन भगवान का जप करने से, भगवान के नाम का जप करने से, महामंत्र का जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, इससे पाप करने का जो मन है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पाप करने का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। साधक संयमित हो जाता है और उसकी वाणी में संयम आ जाता है। तो इसको कहते हैं ताप। जो कर्म किया जाता है वो पाप, और उस कर्म करने का जो स्वभाव है हमारा, उसको कहते हैं ताप। ये अंतर है। तो भगवान और साधन करने से तो पाप कटते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करने से, भगवान के नाम का जप करने से तीनों ताप मिट जाते हैं। यानी शरीर, वाणी और मन, तीनों से जो हमारे पाप करने का स्वभाव है वो स्वभाव नष्ट हो जाता है, और प्राणी जो है शुद्ध बुद्ध चैतन्य होकर के और भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। आगे सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बृह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मय तया तर्वो विनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जन्म लेते ही जो सन्यास के लिए चले गए सुखदेव जी महाराज, जिनकी कथा कल सुनाएंगे आपको, ऐसे जो सुखदेव जी महाराज हैं, जो समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। नैम से सूत मासीन मभिवाद्य महामती रसास्मति कुहा बादे कुशले सोन को प्रभी। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। कलि को आया हुआ देख करके महात्माओं के मन में चिंता लगी कि अब कलियुग के अंदर लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो ऐसे विचार करने के लिए उन्होंने यज्ञ यज्ञादि करने के लिए नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। तब तक वहां पर व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज आ गए। सभी महात्माओं ने देखा सूत जी आए तो उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की और उनको माला पहनाई। अब सूत जी को 18 पुराणों का अध्ययन किया उन्होंने व्यास जी महाराज से। तो सोनक आदि महात्माओं से सूत जी ने कहा, भाई बोलो महात्माओं, कुछ पूछना है तो पूछो। अब 88,000 एक साथ पूछेंगे तो कोई सुन पाएगा? आप सारे एक ही बार में इसे स्टेज पे चढ़ना चाहोगे तो चढ़ पाओगे क्या? और या तो तुम नीचे, नहीं तो व्यास जी भी व्यास गद्दी के साथ में नीचे चले जाएंगे, इतनी धक्का मुक्की हो जाएगी। तो सूत जी ने कहा, भाई सौनक जी, ये सारे महात्माओं के मन में कोई बात होगी तो ठीक है, इन सब की तरफ से तुम ही हमसे कोई प्रश्न कर लो। तो 88,000 महात्माओं ने कहा कि भाई सौनक जी, आप ही हमारी तरफ से इनसे पूछो और हम तो श्रोता बन के सुनेंगे। तो सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि अज्ञान अध्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप तो ज्ञान के अंदर आपका ऐसा प्रवेश है कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उगे और उनका जो तेज है उतना तेज आपकी बुद्धि में ज्ञान का है। आपकी
वचन हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए कैसे हैं, जैसे हजारों सूर्य एक साथ उग जाए और वो अंधकार का नाश कर दे। इसलिए आप हमको सूताख्यायी कथा सारम, हमको कथा का सार सुनाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको यज्ञ वगैरह करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तो महाराज सार सार कथा हमको सुनाओ। और वो कथा कैसी हो? बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के अंदर वो रसायन का काम करे। रसायन किसको कहते हैं? आयुर्वेद के अंदर रसायन, जैसे च्यवनप्राश का नाम सुना होगा आपने, ब्रह्म रसायन। रसायन वो है जो बुढ़ापा और बीमारी दोनों से बचा करके और आदमी को तंदुरुस्त रखे, जवान बना करके रखे, उसको रसायन कहते हैं। तो हमारे अंदर अनेक तरह की मन में बीमारियां पैदा हो गई है संसार की, इसलिए हे सूत जी, कोई ऐसा च्यवनप्राश आप हमको खिला दो कि हमारी वो मन की सारी बीमारियां विकार दूर हो जाए। और बाकी तो सब हो सकता है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, अगर किसी के मन में चिंता है और किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। एक चिंतामणि किसको मिले तो सारी चिंताएं उसकी नष्ट कर सकते हो। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, किसी को धन की इच्छा है तो उसको स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसका सारा दरिद्र नष्ट हो सकता है, क्योंकि कल्प वृक्ष जिसको मिल गया उसको धन की क्या कमी है। किसको कहते हैं कल्प वृक्ष? कल्प वृक्ष कहते हैं एक ऐसा पेड़ होता है स्वर्ग के अंदर, होता है वो इंद्र के लोक में, उस पेड़ के नीचे बैठ करके और जैसा कोई सोचता है ना वैसा ही वो हो जाता है, उसको मिल जाता है। तो एक आदमी संसार के अंदर घूमते घूमते एक रेगिस्तान में चला गया जहां रेता ही रेता और कुछ नहीं। अब तपती दोपहरी में परेशान हो गया, उसके मन में आया रे कहीं दूर दूर तक कोई छाया नहीं है, कोई एक छाया का पेड़ मिल जाता तो उसके नीचे बैठ करके और थोड़ी शांति ले लेते। ऐसा मन में आया, उसको दूर एक पेड़ दिखाई दिया, उसने बोले रे पेड़ तो दिखा, चलो इसके नीचे बैठ करके थोड़ा आराम करते हैं अपन। पेड़ के नीचे जाके बैठा, हरा हरा पेड़ था और उसको शांति मिली गर्मी से, आनंद आ गया भाई। गर्मी तो से तो राहत मिल गई पर प्यास लग रही है, कंठ सूख रहे हो, थोड़ा ठंडो पानी और मिल जाता तो आनंद आ जाता। तो तुरंत पानी का जग आ गया भर करके सामने, ठंडा पानी भरे के पानी आ गया, पानी पिया उसने, प्यास तो मिट गई पर कोई थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता तो भूख भी मिट जाती। ऐसे मन में इच्छा हुई और थाल आ गया भोजन का, उरे के ये तो थाल भी आ गया, उसने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब बैठा दोपहरी काट लूं थोड़ी देर यहां। अब झपकी आने लगे, ठंडा पानी बढ़िया भोजन मिले तो नींद तो आना जरूरी है कुंभकर्ण की पत्नी का, तो नींद आने लगी। उसने कहा रे थोड़ा कोई सोने को एक चारपाई कोई पलंग होता तो थोड़ी थकान भी निकाल लेता। तुरंत महाराज पलंग आ गया उस पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे पलंग आ गया, पलंग पर लेट गया, लेट के विचार करने लगा, बहुत अच्छी जगह, मैंने जो चाहा वही मिल गया। आंख लगने लगी तो उसके मन में आया, अब मेरी आंख लग रही है, नींद आएगी मेरे को, कहीं कोई शेर आ गया नहर आ गया और खा गया तो। बस ऐसा उसके मन में आया और वहीं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, सिंह अब आ गया और हुम करके और इसको गप सिखा गया। इसको कहते हैं कल्प वृक्ष, जैसी कल्पना करोगे वैसी ही आपको मिल जाएगी। तो भागवत भी कल्प वृक्ष है। इसका मंगलाचरण में आएगा कि भागवत कल्प वृक्ष है, वो कल सुनाएंगे आपको कैसे है कल्प वृक्ष। तो चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, ये सब मिल जाती है।
लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ जो वैकुंठ है वो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना पड़ता है, बस गुरु कृपा जिसके ऊपर हो गई उसके ऊपर भगवत कृपा को कहना पड़ता है। ये गुरु कृपा का ऐसा फेविकोल का जोड़ है महाराज कि जो कभी छूटता नहीं है। इसलिए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, नहीं तो हमारी क्या औकात इस व्यास पीठ पर बैठने की। हमने तो जीवन में चमड़ा फोड़ा है आप लोगों का, सुइयां लगा लगा करके क्या किया हमने। मेरा कोई इसमें पुरुषार्थ नहीं है सज्जनों, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये सब सद्गुरुदेव भगवान का प्रसाद है। इसी कोई जब से उनकी आज्ञा हुई तब से मैं इसको बांटता फिरता हूं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों के लिए भी परम दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। ये हमारे बीच में एक मूर्ति संत भगवान बैठे हैं, आप सब जानते हो क्या कमी थी इनको बताओ, इनके घर में क्या कमी थी। धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब कुछ, लेकिन सद्गुरु की आज्ञा मिली और जीवन ऐसा हो गया कि बस पद्म पत्र में वाम बसा कमल की तरह। ऐसा जीवन हमको हमारा बनाना चाहिए, महाराज से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा भी जीवन ऐसा ही बने, इनका भी ऐसे ही हमारी तरह गृहस्थ में जन्म हुआ संसार में रहे लेकिन निर्मल हो गए। तो कब तक इस कीचड़ में पड़े रहोगे भाई, इससे अलग हो तुम। इसलिए खाली इसको समझने की जरूरत है, समझ जाओगे ना तो अलग हो जाओगे। 7 दिन में गारंटी से कहता हूं, जो कई लोग कहते हैं ना साहब मेरा जो है ये माल आपको साल भर की गारंटी देता हूं मैं, आप ले जाइए, साल भर में अगर खराब हो गया तो वापस लूंगा, मेरी गारंटी है। कंपनियां भी गारंटी देती है, टीवी खरीदो कितने साल गारंटी है, बोले भाई 5 साल गारंटी, तो मैं 7 दिन में गारंटी देता हूं, सब जगह देता हूं। और एक कथा में एक भी आदमी को अगर वो चीज मिल जाए, मेरी गारंटी पर विश्वास हो जाए, तो मैं समझ लेता हूं कि मेरा कथा सुनाना सार्थक हो गया। तो गारंटी की बात है, मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी की क्या है गारंटी, की गारंटी है कि नहीं, देश चल रहा है उस गारंटी से। तो हम भी इस व्यासपीठ की, महाराज श्री की व्यासपीठ है, मैं तो खाली एक स्पीकर हूं, निमित्त हूं, वो जो कुछ बुलाते हैं मैं बोल देता हूं, लेकिन ये गारंटी है कि अगर 7 दिन आपने एकाग्रता से भागवत को सुना तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो महाराज आपकी कृपा हो गई, आपको गुरु की कृपा मिली, आपने 18 पुराणों का श्रवण किया है, इसलिए काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। अरे महाराज इस संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी व्याल किसको कहते हैं, सांप को। काल व्याल मुख ग्रास है, सब अपन काल के गाल में बैठे हुए हैं, सब मौत के मुंह में बैठे हुए हैं। कब मुंह बंद कर ले सांप, जब तक सांप का मुंह खुला है जब तक आपको जहर चढ़ेगा क्या, पूरा घुस जाओ सांप में, सांप का मुंह खुला है आपको जहर नहीं चढ़ेगा। जहर कब चढ़ेगा, जब सांप मुंह बंद करेगा, क्योंकि जहर उसकी डाड़ों में होता है, शरीर में जहर नहीं होता है सांप के में। चाइना के लोग तो पूरे को कच्चा खा जाते हैं, जैसे अपन गाजर मूली खाते हैं, तो सांप के शरीर में जहर नहीं होता, डाड़ों में जहर होता है। तो जब तक सांप का मुंह खुला है जब तक आप आराम से खेलो कूदो, आपकी मर्जी आज जो करो, लेकिन जब सांप मुंह बंद कर लेगा काल रूपी सांप, फिर हम उसके जहर से बच नहीं सकते हैं।
तो निवेदन किया कि ऐसा कोई हमको आप सुनाओ कि जो इस संसार के अंदर मनुष्य का कल्याण हो जाए। सुनकर के सूत जी को बड़ा आनंद हुआ और सूत जी ने कहा कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो बच्मी विचार्य चे सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। हे सौनक जी, मुझे पता लग गया कि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए आपने मेरे से मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचारिचे, इसलिए मैं विचार करके और आपको बात बताता हूं। और सारे सर्व सिद्धांत निष्पन्न जो बात है, वेद पुराण शास्त्रों की संतों की अनुभव की जो निचोड़ है, वो बात मैं बताऊंगा और उस बात से संसार भय नाशनम, संसार के भय का नाश हो जाएगा। संसार का भय क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है हमारे? मैं मर जाऊंगा, ये सबसे बड़ा भय है। तो भागवत ये जो भय है ना, मृत्यु का भय, इसको नष्ट कर देती है। मैं 7 दिन तेरे को भागवत सुनाऊंगा और उससे तेरा, यही बात सुखदेव जी ने कही परीक्षित को, 7 दिन में तेरे मृत्यु का भय से तुझे मुक्त कर दूंगा मैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। तो उस अजगर के काल के मुंह में से बचने का उपाय क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसको कलयुग के अंदर कीर किसको कहते हैं? तोते को। तोते का मतलब शुक, संस्कृत में तोते को बोलते हैं शुक। तो कलयुग के अंदर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी, हे महात्माओं, मैं तुमको वही कथा सुनाऊंगा, उससे सारे संसार का भय नष्ट हो जाएगा। एक बार की बात है महात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा श्रवण करवाई सुखदेव जी ने और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो देवलोक के अंदर, ब्रह्मलोक के अंदर ये बात फैल गई कि खाली कथा सुनने से और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देवता गए ब्रह्मा जी के पास में, देवता ब्रह्मा जी ने कहा जाओ आप भी सुन के आओ। अब भाई कथा सुनने जाए तो कुछ लेकर के जाते हैं ना, माता बहने आती है तो कोई अमरूद लाती है, कोई सटेड़ी लाती है, कोई अन्न लाती है, कुछ भी लाते हैं लेकिन कुछ लेकर के आते हैं। तो देवताओं ने कहा कथा सुनने चलेंगे तो कुछ लेके तो चलें। तो क्या लेके चलें? तो देवताओं के पास में सबसे ज्यादा कीमती जो चीज है, बोले सबसे प्रिय चीज भगवान को भेंट करनी चाहिए। तो सबसे प्रिय चीज क्या है देवताओं के पास? अमृत। तो अमृत का कलश लेकर के और देवता सुखदेव जी के पास में आए, आकर के और सुखदेव जी को प्रणाम किया और निवेदन किया। सुखदेव जी ने कहा अरे देवताओं कैसे आए? बोले महाराज, हमने सुना है कि आप अपने शिष्य को जो है भागवत कथा सुना करके और इसको ब्राह्मण के श्राप से मुक्त करोगे, मृत्यु के भय से मुक्त कर रहे हो, तो इसकी मृत्यु का तो हम वैसे ही निदान कर देंगे। हम ये सुधा कुंभम गृहीत पैवे देवास्तत्र समागमन। देवता अमृत का कुंभ लेकर के, घड़ा लेकर के आए और कहा कि महाराज ये अमृत तो आप अपने चेले को पिला दो और ये अमर हो जाएगा, ये मरेगा नहीं, फिर मरने का ही तो भय, तक्षक के डसेगा, डसने से ये मर जाएगा 7 दिन बाद में, तो इसको अमृत पिला दो और हमको ये भागवत अमृत पिला दो, भागवत रूपी जो अमृत है ये आप हमको पिला दो। जब सुखदेव जी ने ये बात सुनी तो उनको हंसी आ गई और कहा रे देवताओं, तुम कब से परमार्थी होने लग गए? अरे तुम्हारे अंदर तो स्वार्थी स्वार्थ भरा हुआ है, तुम्हारे तो रोम रोम के अंदर स्वार्थ भरा है। संसार में अगर सबसे ज्यादा
कोई स्वार्थी है तो वो कौन है? देवता। सबसे ज्यादा स्वार्थी है। तो सुखदेव जी ने कहा कि देखो भाई, तुम बदला बदली करने के लिए आए हो तो बराबर की चीज से बदला किया जाता है। भाई 10 ग्राम सोना तो 65,000 रुपए दे दो और सोना ले लो 10 ग्राम, बराबर कीमत देनी पड़ेगी ना। तो हमारी जो भागवत अमृत है इसके बदले में तुम ये तुच्छ स्वर्ग का अमृत ले आए हो। बोले महाराज स्वतुच्छ? बोले हाँ। कैसे? बोले भागवत के अमृत में अगर कोई डूब जाएगा तो वो तर जाएगा, और तुम्हारे अमृत में कोई डूब जाएगा तो वो भोगों में पड़ जाएगा, और एक दिन उसको मरना पड़ेगा, वो मर जाएगा। स्वर्ग का अमृत एक लिमिटेड होता है। जब स्वर्ग में जाते हैं ना हम देवता बन के, हम में से ही जाते हैं देवता, कोई अलग से कोई नहीं होता है। जो पुण्य करते हैं देवता बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं तो वहां उनको एक थोड़ा सा डिब्बी में अमृत दिया जाता है कि जब तक तुम्हारे पुण्य है ये अमृत है, जिस दिन ये अमृत खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। एक माला उनको पहला दी जाती है, ये माला है, जिस दिन ये कुमला करके झड़ जाएगी गले में से उस दिन तुमको स्वर्ग में से वापस धरती पर डाल दिया जाएगा। अब वो देवता बन जाते हैं ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो उन देवताओं को वो अमृत दिखता है ना, जैसे किसी के पास में थोड़ा पैसा हो तो वो बहुत कंजूसी से खर्च करता है, बचा के रखो आगे काम देगा। तो देवता बहुत कंजूस होते हैं तो वो अमृत को पीते नहीं है, सूंघते रहते हैं कहीं पी लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लिमिटेड है वो तो, और थोड़ी मिलेगा। तो सूंघते हैं देवता अमृत को, सूंघ सूंघ करके दिन निकालते हैं अपने। और जैसे वो माला रोज कुमलाती है थोड़ी थोड़ी, तो जो जो माला कुमलाती है महाराज, त्यों त्यों उनके दिल में ये कि अब हमारे पुण्य खत्म हुए, अब हमको वापस नरकों में धरती पर डाल दिया जाएगा। ऐसे स्वर्ग का अमृत लिमिटेड है, लेकिन भागवत का अमृत जितने पीने वाले आएंगे उतना ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, जितने श्रोता उतने ही भागवत का रस बरसता हुआ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भागवत का रस है, आप सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा जब इसको सुनना चाहता है तो यहां अंदर बैठा हुआ परमात्मा, यहां से आपके भाव ही इस कथा के रस को, उद्गार को निकालते हैं। अगर आप सुनने वाले नहीं हो तो किसको कथा सुनाएं, क्या सुनाएं, कुछ उपजता नहीं है फिर। तो इसलिए भागवत का अमृत। दूसरा, तीसरी बात है कि स्वर्ग के लिए आपको पुण्य करने पड़ेंगे, लेकिन भागवत का अमृत प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, कुछ करना पड़ेगा है? नहीं, सुनने के अलावा और कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा। पैसा लगाने वाला लगा रहा है, व्यवस्था करने वाले कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है, आपको तो सिर्फ आकर के सुनना है, कुछ नहीं चाहिए, एक नया पैसा भी नहीं चाहिए, सुनना है खाली। क्या लगा कथा सुनने में? जबकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको पुण्य करने पड़ेंगे, अश्वमेध यज्ञ करोगे 100 जब जाकर के इंद्र बनोगे, देवताओं के पुण्य करोगे जब देवलोक में जाओगे तब देवता बनोगे, लेकिन कथा में बस आकर के बैठना है। अब इतना भी हम नहीं कर सकें तो फिर हमसे गिरा हुआ इस संसार में और है भी कौन। तो स्वर्ग का अमृत बड़ा दुर्लभ है, लेकिन भागवत का अमृत है ये सुलभ है, और कलयुग के अंदर तो ये बहुत ही सुलभ हो रहा है भाइयों। रोज कथाएं हो रही है, हजारों की संख्याओं में लोग कथाएं सुन रहे हैं और सब लाभ ले रहे हैं, आपको भी मिल रहा है सुनने को, आप भी ले रहे हो, इसलिए इसको लेते रहो। मुह रहो रसिका भुवि भावुका, जब तक तुम मर नहीं जाओ तब तक इस रस को छोड़ो मत, पीते रहो, रोज पियो। तो सुखदेव जी ने उनका मजाक बनाया देवताओं का और कहा, अरे देवताओं,
क्वै सुदा क्वै कथा लोके क्वै क्वाच क्वै मणिर महा। अरे देवताओं, कहां तो कांच की गोलियां और कहां मणि। कांच की गोली से तुम मणि लेना चाहते हो कांच की गोली दे करके। कहां तो तुम्हारा देवताओं का स्वर्ग का अमृत। क्या सुधा क्या कथालो के और कहां संसार की भागवत की कथा। इसके बराबर कोई बदला आना, इसका अदला बदला नहीं हो सकता है। और सुखदेव जी ने मजाक करके और देवताओं को भगा दिया, चले जाओ देवताओं, तुम इस भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं हो। भगा दिया देवताओं और 7 दिन कथा सुनाई, राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया। बात फैलती फैलती स्वर्ग से ब्रह्मलोक में पहुंच गई, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज गजब हो गया। अरे खाली एक कथा सुनने से और उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, वैकुंठ मिल गया। फिर ये यमराज ने कहा कि मेरे लोक में कौन आएगा, ऐसे कथा सुन सुन करके सब मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो ये गड़बड़े मामला, कुछ करो इसका इंतजाम, नहीं तो हमारी दुकानें तो सब ठप हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं, मंगाओ भागवत को। तो भागवत को ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने मंगाया। अब तराजू लगा करके तोला के देखें वजन कितना है इसमें, कितना दम है इसके अंदर। तो एक पलड़े में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत और जितने भी ग्रंथ थे वो सब रख दिए। और दूसरे पलड़े में खाली भागवत रखा, तो भागवत का पलड़ा नीचे चला गया और सब शास्त्र पुराणों का पलड़ा ऊपर हो गया। तो पूरा धाता भी विस्मित है, ब्रह्मा जी को भी बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो बहुत गजब की चीज निकली है। उसी भागवत को ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी से परंपरा से ये भागवत इस संसार के अंदर आई है। सुनकर के महात्माओं ने कहा, रे महाराज क्या बात कर रहे हो आप, नारद जी ने 7 दिन तक भागवत की सुना एक जगह बैठ करके, ये तो हो ही नहीं सकता है। नारद और 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक जाए, कुछ जस्ती नहीं है महाराज, कैसी क्या हुआ थोड़ा बताओ। तब उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि चलो पृथ्वी पर चलते हैं, सुना है कि वहां बहुत आनंद है और खूब कथाएं होती है, लोग बड़े सुखी हैं धरती के ऊपर। तो नारद जी पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आए तो उन्होंने आकर के देखा तो जहां जाए वहीं उनको दुखी दुख मिले। विचार करके तीर्थों में गए तो पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, तीर्थों के अंदर देखा तो वहां सारे विधर्मी लोग बैठ गए, दुकानें खोल दी, कोई अंडा बेच रहा है, कोई आमलेट बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है। तो तीर्थानि यवना रुद्धा, तीर्थों को यवनों ने विधर्मियों ने घेर लिया चारों तरफ से। और महात्मा के चले तीर्थों में तो कुछ नहीं है, गंदगी फैल गई, महात्माओं के चलते हैं तो महात्माओं के आश्रमों पर गए तो वहां जाकर के पूछा कि भाई ये आश्रम किसका है, बोले त्यागी जी का। अरे जो त्यागी है और उसका 5 मंजिल का आश्रम, बोले यहां भी कोई सारवाड़ी बात नहीं है। फिर आगे गए नारद जी तो बच्चे खेल रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, नारद जी ने पूछा ये शोरगुल किसके घर में हो रहा है, बोले ब्रह्मचारी जी के घर में। अरे ब्रह्मचारी और उसके घर में बाल बच्चे, वहां भी नारद जी को निराशा मिली, चलो गृहस्थों के घर में चलते हैं, वहां तो कुछ कथा कीर्तन मिलेगा, शांति मिलेगी। तो गृहस्थियों के घर में गए नारद जी तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं और भाई भाई से, पति पत्नी से, पिता पुत्र से, मनुष्य के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। नारद जी ने देखा यहां भी सुख शांति नहीं है। गृहस्थियों के जाकर के देखा
तो अट्टशूला जनपदा शिवशूला जाते कामिन्य केशशूलिन्य संभवंती कलो भी है। गांव में गए, गांव में जाकर के देखा तो गांव अन्न से खाली पड़े हैं। हमारे घरों में कितना अन्न, पहले जब बचपन की बात करते हैं कितना अन्न भरा रहता अपने घरों के अंदर, दो दो तीन तीन मिट्टी के कोठे बनाती थी माताएं और उसमें अन्न भरा रहता था, और दूसरे साल का अन्न आ जाए तब तक उस अन्न को नहीं बेचते थे, एडवांस 12 महीने का भोजन एडवांस गृहस्थियों में रहता था। आजकल क्या है, कितना अन्न है तुम्हारे घरों में, खेत में फसल तैयार हुई और ट्रैक्टर वहीं ले गए, आजकल तो वो मशीन आ गई कटर की, उससे काटा ट्रोली में डाला और सीधा मंडी में, ने पक्षियों ने खाया। मैंने कहा भाई लोकमान गेहूं क्यों नहीं तैयार करते हो, बोले महाराज चल्लू खा जावे, मतलब किसी को मत खाने दो, हम भी नहीं खाएं और किसी को नहीं खाने दें, और वो सीधा ट्रोली में, तो जमीन में फैलता था पहले, खलियान में चींटी खाती थी, कई पक्षी खाते थे, कभी जानवर भी आए, गाय आई मुंह लगा गई, कौन से अपन उससे कंगाल होते थे, लेकिन हमारे घरों में गांव में खुशहाली थी। आज तुम्हारे गांव में ये हरियाली दिख रही है, ये आप इससे खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। तुम्हारे गांव तो नरक हो रहे हैं, पैदल नहीं चल सकते, कोई सुख शांति नहीं है। अच्छा बताओ ईमानदारी से, पहले का जमाना अच्छा था या आज का अच्छा है? पहले का अच्छा था ना, तो हमारी उन्नति हुई कि पतन हुआ? पतन हुआ है। जितनी जितनी भौतिक उन्नति आपकी बढ़ेगी, संसार की सुख सुविधाएं जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका पतन होता चला जाएगा मानवता का, और जितने जितने आप त्याग वृत्ति में जाओगे उतना उतना आपका उद्धार होता हुआ चला जाएगा। पहले कितना धर्म कर्म होता था, खेतों में से भी बांटते थे, खलिहानों में से भी बांटते थे, ब्राह्मण भी ले जाते, मांगने वाले भी ले जाते, और चींटियां भी खा लेती, चिड़िया भी चुग जाती, गाय भी खा लेती हैं, और कोई मान लो रस्ते चलता है तो ले आ बैठ बीड़ी पी ले, दो मुट्ठी मूंग दे दिया तो भी कुटक ले इनको, कितना पुण्य निकलता था हमारे हाथों से, आजकल कुछ नहीं निकलता है। सीधा मंडी में गेहूं गया और वहां से पैसा आया, हिसाब किया, ये किराने वाले को दे दो, ये उसको खाद बीज वाले को दे दो, और क्या बचा हमारे पास में, फिर नंगे के नंगे। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि अट्टशूला जनपदा, जनपद कहते गांवों को, गांव अन्न से खाली हो गए, शिवशूला द्विजाते, द्विजाति ब्राह्मण जो है पैसा लेकर के वेद पढ़ने लग गए। आजकल आजकल सौदा होता है महाराज, कथा नहीं होती है, कथा तो होती है जहां होती है, नहीं तो बोल कितना देगा कितना चढ़ाएगा तब कथा करूंगा, 5 लाख 10 लाख पहले बोध होता है। तो सीधी सी बात है, शिव शूला द्विजाते है, शिव कहते हैं शास्त्र को वेद को, ब्राह्मण वेद बेचने वाले हो गए, इसलिए वेदों का सार चला गया महाराज। जो त्यागी ब्राह्मण होगा उसी के श्रवण से आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो व्यापारी तो इस संसार में बहुत घूमते हैं कमाने के लिए, तो फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी रेट बढ़ती जा रही है, रेट बढ़ती जा रही है। मुझे ये सौभाग्य मिला है सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कि मैंने 440 कथा की है, लेकिन आज तक किसी भी यजमान से ये नहीं कहा कि मैं इतना लूंगा, यूं नहीं किया मैंने। तू जो भागवत पे चढ़ा देगा वो 1 रुपया खोटा भी चढ़ाएगा ना, उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं दंभ भी नहीं करता हूं कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं किसी से, तू इतना दे मेरे को। अरे मुझे मांगना है तो ये कल्प वृक्ष मुझे जब भगवान ने दे दिया तो फिर इससे मांगूंगा ना, उससे मांगूंगा जिसने तुमको दिया है, तुमसे क्या मांगूंगा, तुम क्या दे सकते हो मेरे को, मेरी एक भागवत का कीमत तुम अनंत जन्म धारण करके चुकाओ तो नहीं चुका सकते। क्यों?
क्योंकि संपत्ति से तुम सुख खरीद सकते हो, स्वर्ग खरीद सकते हो, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता है उससे। भगवान तो भगवान की कृपा से मिलता है। तो एक भागवत की कीमत भी हम जीवन में नहीं चुका सकते हैं। इसलिए ऋण रहो, ऋणी रहो हमेशा अपने शास्त्र का, अपने आचार्य के ऋणी रहो कि महाराज। और ऐसा कोई यजमान जो कुछ भी चढ़ा करके कहता महाराज मेरे से कुछ नहीं बना, तो समझ लो कि उसने सब कुछ दे दिया, उसका देना सफल हो गया। अगर कोई तय करता है तो यजमान भी समझ लो कि उसका कल्याण नहीं होगा। उस कथा से मैं व्यासपीठ से आपको ये गारंटी की बात कहता हूं, कोई भी यजमान अगर तय करके कथा कराता है उससे उसका कल्याण नहीं होगा। और कोई भी व्यास अगर पैसा तय करके कथा करता है तो वो भी नरकगामी होगा, नरकों में जाएगा। कल्याण जब होता है कि यजमान के अंदर समर्पण का भाव हो कि मैं क्या कर दूं इनके लिए, और आचार्य के ये भाव हो कि मैं क्या दे दूं इनको। आचार्य देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता है। जो लेना देना करता है वो तो व्यापारी है महाराज। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप बार बार कहते हो मांग ले, तो वो प्रेमी नहीं है, वो तो बढ़िया है जो लेन देन का सौदा करता है। प्रेम में लेना देना नहीं होता है, प्रेम में प्रेमी एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। मेरे मन में ये भाव हो कि भगवान ने मुझे जो कुछ अनुभव कराया है वो मैं तुमको इस भागवत की वाणी के माध्यम से तुमको परोसू, मैं तुमको समर्पित कर दूं उसको। जो सुख मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है वो तुमको भी मिले, जो परमात्मा मुझे मिला है वो परमात्मा तुमको भी मिले। ये भाव जब होता है तब मनुष्य का कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे, और धीरे बोलो, जय हो। समझ में आ रही थे के कथा माताओं के? अब माताएं तो कम बची होगी, और अब तो कोई साड़ा हेलीर, कोई बहू है, कोई कौन है, लेकिन व्यासपीठ से सब माताइयों मेरी एक को छोड़ करके, वो आज आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है। समझ में आ रही है ना कथा? हाँ, तुम्हारे समझ में आ गई ना, तो इनके नहीं भी आएगी तो तुम समझा दोगी। पर इनके समझ में आ गई तो ये तुमको समझाएंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए तुम्हारे प्रति ज्यादा भाव है मेरा, मेरी माता बहनों को ज्यादा मेरी कथा समझ में आया, तो ध्यान से सुनो। नारद जी ने कहा कि कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्कनम। अरे महाराज, अब संबंध नहीं होते हैं, कन्या विक्रयण हो लोभात, लोग अपनी बेटियों को बेचने लग गए, पैसा दे होने लग गया। पहले बेटे बेचा करते थे, अब बेटियां बिकने लग गई हैं। हम तो ले आएंगे साहब, हमारे पास तो कन्यार कड़स है, ये बेचना ही है, उसकी सारी संपत्ति पे उसका हक हो गया। और फिर अपनी बहू के लिए भले ही 10 तोले का हार बना देंगे, लेकिन बेटी को कन्यार कड़स देके विदा कर देंगे, क्योंकि वो पटेल है, उसके पास में 70 बीघा जमीन है, चली जाएगी निहाल हो जाएंगे। ये इनडायरेक्ट कन्या का विक्रय है। अरे तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, शक्ति है, उतना तो दो, अपनी बेटी के लिए देना चाहिए। तो महाराज अब संबंध नहीं, सौदे होने लग गए संसार के अंदर। ऐसा देख करके नारद जी बड़े दुखी हो गए, और घूमते घूमते जब देखा कहीं तो वृंदावन चले गए कि जरा देखो वृंदावन में भगवान ने लीला की है, वहां तो बड़ा अच्छा होगा। तो वृंदावन में गए तो वहां यमुना के किनारे से निकल रहे थे, तो एक औरत बैठी थी, उसको चारों तरफ से कई औरतों ने घेर रखा था, और दो बुढ़े बालक उसके पास में पड़े हुए थे, श्वास चल रहा था, कभी रुक रहा था, मरे हुए से पड़े हुए थे। जैसे ही नारद जी को जाता हुआ देखा, उस स्त्री ने नारद जी को पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय।
दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। अरे नारद जी महाराज रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बात है माता? अरे महाराज आपका तो दर्शन करने से ही दुख दूर हो जाते हैं। बोलो कौन हो तुम, अपना परिचय दो और किस लिए तुम यहां बैठी हो, तुमको ये घेरे हुए कौन स्त्रियां हैं, कारण बताओ। जब नारद जी ने पूछा तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। हे महाराज मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविड़ी साम, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई। द्रविड़ किधर है? जगन्नाथपुरी की तरफ उड़ीसा। मां मेरा जन्म हुआ ब्रद्दीम कर्नाटक गता, कर्नाटक में बंगलोर की तरफ। मां मेरी वृद्धि में जवानी को प्राप्त हुई क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में इधर भी मेरी थोड़ी थोड़ी वृद्धि हुई भक्ति की, क्योंकि मां भी ज्ञान संत ज्ञानेश्वर जैसे कई संत हुए हैं। लेकिन गुजरात में आते आते तो मैं बिल्कुल क्षीण हो गई, बुढ़ी हो गई महाराज। और ये मेरे दोनों बेटे हैं, और मैं तो फिर तीनों हम वहां से गुजरात से निकले डोलते डोलते इस धरती के ऊपर। जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों बेटे ये बुढ़े हो गए। अब महाराज किसी की माँ तो जवान हो और उसके सामने बेटों के सफेद बाल आ जाएं, आंखें अंदर धस जाए, चमड़ी पे झुर्रियां पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, मरा हो जाए, तो कितना दुख होता है माँ को। महाराज मेरे को बहुत दुख है, मेरे सामने मेरे दोनों बेटे की मृतावस्था है, आप कुछ कृपा करो, या तो आप मेरे दोनों बेटों को जिंदा करो, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं विचार करके देखता हूं। नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा। नारद जी ने कहा रे देवी वृंदावन में तुम तो जवानी इसलिए हो गई क्योंकि यहां भक्ति की महिमा है, लेकिन तुम्हारी ये जो दोनों बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, इनका कोई ग्राहक नहीं है यहाँ वृंदावन में। ज्ञान और वैराग्य की कोई कीमत नहीं है, वहां तो राधे राधे बरसाने में, राधे राधे मोर कुटी पे, राधे राधे हैं। नारद जी ने आ जाओ भाई गंधर्वों कहां चले गए। नारद जी ने इस प्रकार से जब भक्ति माता को सुना तो नारद जी ने कहा मैं प्रयास करता हूं। नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, पास में गए जाकर के उनके कानों के अंदर उन्होंने वेद का पाठ सुनाया, लेकिन उससे भी उनको जागृति की प्राप्ति नहीं हुई। फिर कई पुराणों की मंत्र सुनाए, उससे भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। फिर गीता पाठेर मुहुर मुहु, बार बार गीता पाठ सुनाया। अब गीता पाठ सुनाए जब तक तो ज्ञान वैराग्य की सांस चले, और जैसे गीता पाठ बंद हुआ और ज्ञान वैराग्य फिर से मरने लग जाए, निष्प्राण हो जाए, ऐसी दशा हो गई। वैसे तो समय 4 बजे तक का ही रहेगा, लेकिन आज तो बहुत विलंब हो गया ना, इसलिए आधा घंटे की देरी हो जाए तो क्षमा चाहता हूं। तो महाराज गीता पाठ सुनाया, तो गीता पाठेर मुहुर मुहु, जब जब गीता पाठ सुने तो सांस चले, और जब पाठ बंद हो जाए तो फिर मरे जैसे मुर्दे हो जाए वो। नारद जी ने भक्ति माता को फिर चिंता लगी कि अब कैसे होगा, तो नारद जी ने कहा माता चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्वर दुखम गमिष्यति। हे माता, भक्ति माता चिंता मत करो, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का
स्मरण करो है? और भगवान का नाम स्मरण सर्व विपत्ति विमोचनम सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन हरि बोल हमारो धन राधा 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 के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला तुझे नटवर नागरिया हो राधा पुकार तुम्हें नटवर नागरिया हो राधा पुकार तुम्हें नटवर नागरिया बताए उसे जिसे तूने राख लिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया तेरे गोकुल पे आई विपदा
तेरे को कुल में आई विपुला भारी सारे में सारी विपुला टारी एक इशारे में सारी विपुला टारी सारी विपुला टारी उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब कुछ भूल गए सब से तेरा नाम लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम दूर हुए सब मुरली प्यारी सब दुख दूर हुए प्यारी सुनी मुरली प्यारी ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए सब तेरा नाम ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया प्रभु स्मरणम सर्व विपत्ति विमोक्षणम इसलिए कहा है कि भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का विनाश करता है। नारद जी ने बहुत प्रयास किया ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं हुई। नारद जी को चिंता लगी क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा सत्कर्म क्या है कैसे करूं कुछ बताओ मेरे को। आकाशवाणी ने कहा संतों के पास में जाओ वो बताएंगे। अब नारद जी महाराज संसार में संतों के पास जाने लगे तो जिनके पास में जाए सुने के नारद जी आ रहे हमसे कुछ पूछने के लिए तो कोई कोई तो डर के मारे आश्रम छोड़ के भाग गया कि भाई नारद जी को हम क्या बताएंगे हैं। कईयों ने देखा नारद जी हमारे आश्रम में आ रहे पूछने तो मौन धारण कर लिया। चेलों से कहा भाई गुरुजी से कुछ पूछना है बोले आजकल इनका मौन व्रत चल रहा है साहब। ऐसे जहां गए नारद जी कहीं इनको कोई रास्ता नहीं मिला किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। चलते चलते नारद जी कहते हैं महाराज सनकादिक से मैं घूमता घूमता यहां बद्रिकाश्रम में आया कि चलो वहां कोई संत मिलेंगे उनसे पूछूंगा। भैयाओ तुम्हारे दर्शन हुए मैंने सारी व्यथा मेरी तुमको बताई अब तुम ही बताओ इन ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृत किया जाए। संकादिक
ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए ये सगे भाई हैं। लेकिन सनकादिक 5 वर्ष के जब से पैदा हुए हैं अभी तक 5 ही वर्ष के हैं। पिताजी ने कहा जन्म होते जाओ, शादी करो, बाल बच्चे पैदा करो। सनकादिक ने कहा पिताजी बाल बच्चे शादी करेंगे तो बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे तो रोना धोना भी होगा, हम तो हरि का भजन करेंगे। बोले बड़ा तो तुमको शादी तो करनी पड़ेगी। तो बोले छोटे छोटे कोई बड़े होंगे जब ही शादी करेंगे। बोले हाँ जवान हो गए तो शादी करनी पड़ेगी। सनकादिक ने कहा हम तो 5 ही वर्ष के रहेंगे, हम बड़े होंगे ही नहीं तो शादी कैसे करेंगे। आज भी वो 5 ही वर्ष के हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनने जो है कहा नारद जी इतनी सी बात के लिए आप इतने चिंता हो रहे हो। नारद जी ने कहा इतनी सी बात, सारी त्रिलोकी में घूम आया कहीं कोई इलाज नहीं मिला। उसने कहा इलाज हम बताते हैं। सनकादिक ने कहा बोले क्या। बोले नारद जी ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, आप ज्ञान यज्ञ करो और ज्ञान यज्ञ के अंदर जब भक्ति का प्राकट्य होगा तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा लेकिन महाराज ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बोले भागवत की कथा करवा, ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ, इससे ज्ञान वैराग्य फिर से जागृत होंगे। नारद जी को हंसी आई, बोले महाराज भागवत से ज्ञान वैराग्य, अरे 4 वेद सुना दिए, 4 उपवेद सुना दिए हैं और 18 पुराण सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए, सब सुना दिया तो ये जागृत नहीं हो रहे, एक भागवत से क्या होगा, इसमें भी तो सब वेद का सार ही तो है। सनकादिक ने कहा भैया वो बात तो तेरी ठीक है लेकिन जैसे 3 उदाहरण दिए सनकादिक ने, जैसे दूध के अंदर घी, एक एक बूंद के अंदर घी रहता है, लेकिन वो घी हमको प्राप्त कब होता है, जब पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर उसको जमाएंगे, फिर दही होगा, दही की छाछ करेंगे तब जाके घी प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे पेड़ के अंदर पूरे में जो है रस होता है, लेकिन वो रस मिलता कहाँ से है, फल से मिलता है। आप कहोगे जी आम तो मीठा है तो पेड़ को ही खा लेना, तो एक डाली खाओगे तो दांत बाहर आ जाएंगे बतीसी, लेकिन वही आम जब उसमें से फल रूप में आता है तो उसमें मिठास मिलता है। महाराज जैसे गन्ना होता है, गन्ने की गांठ गांठ के अंदर रस होता है, लेकिन जब उसको पिरोया जाता है तब वो रस निकलता है। उसी प्रकार से वेद शास्त्र पुराण इन सब के अंदर से ये जो सर्वोपनिषदान जाता जाता भागवती कथा, उन सब का जो वेद पुराण शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। जैसे दूध का सार क्या है, मक्खन घी, गन्ने का सार क्या है, रस, और पेड़ का सार क्या है, फल। इसी प्रकार से 4 वेद पुराण शास्त्र सब का सार है श्रीमद् भागवत। इसको जब ज्ञान वैराग्य सुनेंगे तो उनको जागृत करने के लिए कोई और साधन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा ये तो भैया आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई लेकिन इसके लिए क्या करना होगा। बोले इसके लिए कुछ नहीं करना है, लगाओ कहीं व्यास गद्दी और सुनो। तो गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, अब बद्रीनाथ धाम में तो कोई कथा सुनने वाला है नहीं, तो एकांत में आप भजन कर सकते हो लेकिन कथा के लिए तो श्रोता होने चाहिए। कहाँ कराऊं, बोले गंगा जी के किनारे, यहां तो कोई श्रोता है नहीं। सनकादिक ने कहा कि देखो संसारी लोग हिमालय में बद्री का धाम में आ नहीं सकते और हम ज्यादा संसार में जा नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा नीचे उतरेंगे और थोड़ा आप लोगों को बुलाओ और हरिद्वार जो सेंटर पड़ता है वहां पर भागवत की कथा होगी। तो हरिद्वार से 300 किलोमीटर बद्रीनाथ है और हरिद्वार से 300 किलोमीटर ही
जो ऋषियों के आश्रम थे, महातक के ऋषियों को निमंत्रण दिया, संकादिक नीचे आए और सारे ऋषि मुनि अपनी गृहस्थी शिष्यों के साथ में, पत्नियों के साथ में गंगा जी के किनारे आए, सुंदर भगवान की कथा श्रवण करवाई संकादिक ने। और उस कथा के सातवें दिन देखा जब समापन होने लगा कथा का, एकादशी स्कंद की कथा सुनी तो भक्ति माता जागृत हो गई, जवानी को प्राप्त हो गई और नृत्य करती हुई उस कथा के अंदर प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमै करोगा भवरोग हंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ती। हे नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, ऐसे पुकारती हुई भक्ति माता उस समाज के अंदर संतों के में प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की। भक्ति नृत्य करने लगी और जब भक्ति नृत्य करने लगी तो ज्ञान वैराग्य भी जवान हो गए और ज्ञान वैराग्य भी भक्ति माता के साथ में सुंदर नृत्य करने लगे। बड़ा सुंदर वहां पे जब समायोजन हुआ तो भक्ति माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने संकादिक को व्यासपीठ के साथ में प्रणाम किया और संकादिक ने भी भक्ति माता के साथ में समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। भक्ति ने कहा कि महाराज, आपने ऐसी कथा मुझे सुनाई कि मैं तो जवान हो ही गई, मेरे ये जो दोनों बेटे मरे हुए पड़े थे ज्ञान वैराग्य, ये भी फिर से जवान हो गए हैं। अब मैं इस कथा को विधि पूर्वक श्रवण करना चाहती हूँ, कहाँ बैठ करके सुनूं? तो संकादिक ने कहा कि ये मेरे जितने भी भक्त और भक्ताएं बैठी हैं वैष्णव लोग, इनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। तब से भक्ति माता जो कथा सुनने के लिए आते हैं उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाती हैं। इसलिए आप सब ऐसे बैठे हो जैसे कोई चित्र में फोटो बना करके बिठा दिया है। ये किसका प्रभाव है? ये भक्ति माता का प्रभाव है। ये कथा का ये वैशिष्ट्य है कि वो जो चेतन कहूं जड़ करही, जड़ ही करही चेतन्य। भगवान की कथा ऐसी है। यमुना जो द्रव है वो काठिन्य को प्राप्त हो जाती है, जब भगवान की बांसुरी बजती है तो यमुना का पानी रुक जाता है, जड़ हो जाता है, और जो गिरिराज के जो पाषाण हैं, शिलाएं हैं बड़ी बड़ी, वो पिघल करके पानी हो जाती हैं। ये विपरीत धर्म भगवान की कथा और भगवान इन दो के अंदर ही देखा जाता है। नहीं तो आपको कहीं सत्य मिलेगा तो असत्य नहीं मिलेगा, जन्म मिलेगा तो मरण भी मिलेगा, जहां सुख मिलेगा दुख भी मिलेगा, ऐसे जोड़ा मिलता है। लेकिन भगवान की कथा में विपरीत धर्म आपको मिलेगा। महा पापी पुण्यात्मा हो जाता है और पुण्यात्मा अगर दृष्टि दोष कर लेता है तो वो पापी हो जाता है। जो कठिन है वो द्रव हो जाता है, पानी हो जाता है, और जो कठोर हृदय का है वो पिघल जाता है। भगवान की कृपा होती है। जब द्रव दीन दयालु के सब साधु संगत पाइए, जब साधु की संगत मिलती है, भगवान की कथा मिलती है, तो उससे भगवान द्रवित होते हैं, और जब भगवान द्रवित होते हैं तो हमारा अंत्यकरण में भगवान निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और जब भगवान पिघलता है तो हमारा हृदय भी पिघल जाता है, और उस पिघले हुए भाव के अंदर जब भगवान की कथा अंदर जाती है तो उसके बाद जब हम कठोरता को प्राप्त होते हैं तो फिर वो भाव हमारे भक्ति के स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा रो करके सुनो, भगवान की कथा पिघल करके सुनो, भगवान की कथा अहंकार का त्याग करके सुनो। अगर कठोर होकर के सुनोगे, ज्ञानी बन के सुनोगे, तो भगवान की कथा तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। कथा पिघलाती है, अंत्यकरण को पिघलाती है, निर्मल कर देती है। जैसे सुनार सोने को तपा करके पानी कर देता है, उसका सारा मैल निकल जाता है, फिर जैसा चाहे उससे जेवर बना लेता है, ऐसे ही भगवान की कथा में जब हमारा अंत्यकरण पिघलता है तो उसमें भगवान के जो चरणारविंद, भगवान के भाव जब
पत्थर पे कोई पैर रखेंगे तो निशान आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कहीं गीली जगह कीचड़ है उसमें पैर रखेंगे तो पैर छप जाएगा, और फिर जब वो मिट्टी सूख जाएगी तो वो पैर मिटेगा? नहीं मिटेगा, उसमें निशान बन जाएगा उसका। लेकिन पानी में अपने पैर दिया तो पानी का पैर तो निकालते मिट जाएगा उसका। तो जब हमारा कठोर अंतःकरण है जो मिट्टी है, जब भगवान के रस कथा के रस से जब पिघलता है तो उसके अंदर जो भक्ति माता का प्राकट्य होता है, ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य होता है, भगवान का प्राकट्य होता है। उसके बाद में जब हम संसार में जाते हैं कथा से, तब हमारा अंतःकरण वापस कठोर हो जाता है। लेकिन भगवान के वो चरण चिन्ह हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे धीरे 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 अंतःकरण निर्मल हो जाता है। बोलो राधे राधे। और थोड़ा धीरे से बोलो, और धीरे बोलो, और धीरे बोलो, कम से कम रोड़ाद नहीं सुने तो कोसरा तक तो जाए आवाज। राधे राधे, ऐसा होना चाहिए ना। महाराज आनंद हो गया। नारद जी ने कहा, भैया हो ये तो बहुत अच्छी बात बताई, तो ज्ञान वैराग्य को तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन इस भागवत से और किस किस का उद्धार हुआ? ना संकादिक ने कहा, भैया नारद ये बात तो छोड़ो, किस किस का उद्धार हुआ, अरे ये सुनो आप कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बिमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे ये मत पूछे कि किस किस का उद्धार हुआ है, ऐसे ऐसों का उद्धार हो गया। किस किस का? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पाप करने से कभी थकते नहीं है, ऐसे मनुष्य जिनने कोई पाप करना बाकी छोड़ा नहीं इस संसार के अंदर। जैसे हमारे हाथ से कोई मान लो चींटी मर गई अपन छोड़ देते हैं, लेकिन जो महापापी होता है ना, वो फिर उस चींटी को मरने के बाद में फिर रगड़ करके ऐसे बिल्कुल ही मिटाई देता है उसको भाई, तब उसके आत्मा को शांति मिलती है। तो यानी जिसने कोई पाप छोड़ा नहीं, ऐसा पाप भी जिसने किया है, पाप कृतस्तु, अरे हम तो समय समय पर ही पाप करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पाप कृतस्तु सर्वदा 24 घंटे सोते उठते खाते पीते पाप ही करते हैं। ऐसे लोग भी अगर 7 दिन भगवान की कथा को सुने तो वो भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सदा दुराचार रता, दुराचारी कोई बुरा गंदा काम जिससे छूटा नहीं है, वो भी अगर आकर के बैठ जाए और फिर संकल्प करे कि अब नहीं करूंगा, तो वो भी भागवत की कथा सुनने से दुराचारों से मुक्त होता है। सदा दुराचार रता बिमार्गगा, वामपंथी जो वेद शास्त्र के विपरीत सिद्धांत को चलाए वो भी नरकगामी होते हैं। वेद में जो विधि बताई है भक्ति की, ज्ञान की, पूजा की, सेवा की, उसके विपरीत जो सिद्धांत निकाले मन मर्जी का, ऐसे पापी लोग भी अगर भगवान की भागवत की शरण में आ जाएं और 7 दिन कथा सुने तो वो भी बीमार का भी उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, रात दिन क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, दुखों की अग्नि में जल रहे हैं, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, कुटिल हैं, सीधी बात करना ही नहीं है किसी से। महाराज कोई सीधी बात कहे तो भी उसको अलग से फांस निकाल करके अलग से कुछ बात कहनी है। टेढ़ा जैसे जोंक चलती है, चले ही जक्र वक्र, चले ही जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान, पानी बिल्कुल सीधा है लेकिन जोंक यूं चलती है। ऐसे कुटिल आदमी कभी सीधे बात नहीं करेगा हमसे, वो भी अगर भगवान की कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। सप्ताह यज्ञ निकलो पुनन्ति ते, वो भी कलयुग में सप्ताह सुनने से और पवित्र हो जाता है। और महाराज और क्या, 5 तरह के पाप बताए हैं,
जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसे पापी भी अगर भगवान की कथा सुने। पांच तरह के पाप, ब्रह्म हत्यारा, कोई ब्राह्मण की हत्या कर दे उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई इलाज नहीं है उसका कि भाई उसकी बीमारी मिटेगी उससे ना। ब्रह्म हत्या, गुरुद्रोही, जो अपने गुरु से द्रोह कर ले, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ उसी की निंदा करने लग जाए, अपने आप को उससे बड़ा सिद्ध करने लग जाए, गुरुद्रोही महापात की होता है। गुरु का हमेशा ऋणी होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए लेकिन गुरु से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भगवान भी गुरु से बड़े अपने आप को नहीं मानते, इसलिए सदा अपने गुरु के ऋणी रहो। स्वर्ण की चोरी करने वाला महापाप, उसका भी कोई समाधान नहीं, इसलिए सोने की चोरी करना नहीं कभी जीवन के अंदर, कितना भी पा जाए आपको सोने की चोरी मत करो। गुरु पत्नी गामी, गुरु की पत्नी पर गलत दृष्टि डालने वाला, ये पांच तरह के पापी होते हैं। ये भी अगर भगवान की कलयुग में 7 दिन कथा नियम से सुने तो ये भी अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। नारद जी ने कोई हुआ है ऐसा, कोई प्रमाण है आपके पास में? तो सनकादिक ने कहा कि देखो, तुंगभद्रा नदी तटे, एक तुंगभद्रा नाम की नदी का तट था और उत्तम नाम का वहां पर नगर, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े धनवान थे क्योंकि भिक्षा मांग मांग करके खूब धन इकट्ठा किया उन्होंने, लेकिन उनकी एक पत्नी थी तो बहुत सुंदर लेकिन बुद्धि की, उसका नाम था धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? जिसको सही सही ज्ञान नहीं हो, अपन के माने दिख तो रही हो पर धुंधलो धुंधलो दिख रही हो, जो साफ दिखाई नहीं दे, जिसको सही निर्णय नहीं कर पाए, ऐसी बुद्धि धुंधली होती है। पत्नी थी धुंधली, घर में पैसा खूब धन खूब लेकिन खाने वाला कोई नहीं। ये भगवान की बड़ी विचित्र गति है भाई जी, जिनके अकूत धन पड़ा है उनके कोई खाने वाला नहीं है। अगर कोई बारिश भी हुआ है तो अयोग्य हो गया, अपंग हो गया है, और किसी के घर में 10-10 बच्चे खाने वाले हैं लेकिन सुबह का है तो शाम को खाने का नहीं है। ये भगवान की बड़ी विचित्र गति है, खाने वाला कोई नहीं, क्या करूंगा इतनी संपत्ति का मैं। एक दिन बड़े दुखी हो गए ब्राह्मण और कहा, रे आज तो मरना ही ठीक है, इससे तो चलो आत्महत्या करते हैं। एक सरोवर के किनारे पर चले गए, माँ एक संत जल पी रहे थे, देखा संत महाराज पधारे, चलो इनसे कोई समाधान मिल जाए, कोई बेटा बेटी मिल जाए मेरे को। जब संत ने जल पी लिया, छाया में बैठ गए, जाकर के प्रणाम किया, महाराज बोलो ब्राह्मण देवता कैसे आप दुखी हो, कैसी चिंता आपको सता रही है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान प्रदान करो। महात्मा ने कहा, रे ब्राह्मण क्या करेगा संतान प्राप्त करके भैया, अरे जो भगवान के भजन में सुख है वो संतान में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है। बोले, नहीं महाराज अब तो आपको मुझे संतान देनी पड़ेगी। देख लिया उसने ब्राह्मण के पहुंचा हुआ संत है कोई माधवदास जैसा, जरूर इससे हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, पड़ गया पीछे। अब महात्मा कह रहे, भैया मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान का नाम है। नहीं महाराज, अगर आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं आपके सामने सिर पीट पीट करके प्राण छोड़ दूंगा। महात्मा ने कहा, ये अच्छी ब्रह्म हत्या गले पड़ गई हमारे, ये ब्राह्मण मर जाएगा। महात्मा ने भगवान का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण किया, बोले, भैया ब्राह्मण ऐसा है, मैं ध्यान लगा करके देखता हूं। महात्मा ने नाक आंख बंद करके देखा और फकारे, ब्राह्मण सप्त जन्मा वदि तवे पुत्रम नैव च नैव च, अरे तू इस जन्म की बात कर रहा है, 7 जन्म तक तेरे कोई औलाद पैदा नहीं होगी। अब तो ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगा, महाराज सिर पटकने लगा। महात्मा ने कहा, रे ब्राह्मण मर जाएगा, ऐसे क्यों कर रहा है? बोले, महाराज मैं तो 1 जन्म का रोजना रोने आया, तुमने तो 7 जन्म का दुख और सुना दिया मेरे को, अब तो मुझे बेटा देना ही पड़ेगा नहीं तो मरूंगा तुम्हारे सामने।
महात्मा को दया आ गई, झोले में से एक फल निकाला, बोले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ नियम साधन बताए, इस तरीके से तेरी पत्नी रहेगी तो 9 महीने बाद में उसको संतान पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी गए, जाकर के धुंधली से कहा, लो देवी आज देखो। बोले मैं क्या लाया हूं? बोले क्या लाए हो? अरे खुशी तो ऐसी मना रहे हो जैसे तो कोई खजाना लेकर के आए हो। अरे बोले खजाने से ही बड़ी चीज है, एक महात्मा जी मिले थे और उन्होंने एक फल दिया है, इसको खा लो तुम्हारे बेटा पैदा हो जाएगा। धुंधली ने ताली बजा करके हंसी, रे महाराज ब्राह्मण देवता तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है, पता नहीं किस बाबा जी के चक्कर में आ गए आप। अरे फल खाने से कोई बेटा पैदा होता है? अरे देवी महात्मा ने दिया है, प्रसाद है, खा लो, जब कहा है तो होगा ही। अच्छा ठीक है महाराज, आप तो जाओ पूजा पाठ करो, मैं खा लूंगी। महात्मा चले गए, ब्राह्मण तो पीछे से पड़ोसन आ गई। पड़ोसन कही के बना, क्या उदास बैठी आज तू? काहे करूं भाई, थारा पंडित जी भोला भाला छे, एक कोई महात्मा मिल गया, कोई खड़िया पलटन तिलक छापा करवाड़ो और फल ले आया उसे, और मुझसे कह रिया के यह फल खा ले थारे बेटो पैदा हो जागो। अब कोई फल खावांसु बेटा पैदा हो या? अरे तो बहना जब महात्मा ने कही तो हो ही जागो, खा ले नहीं तो। बोले नहीं, और देख सुन अगर खा भी लूंगी और बेटा कहीं मेरे पेट में गर्भ ठहर गया तो मैंने सुना है कि जब बालक पेट में आता है तो उसकी भूख बंद हो जाती है, तो भूख बंद हो जाएगी तो खाना कम हो जाएगा, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो मेरी जो ब्यूटीनेस है ये खत्म हो जाएगी, सुंदरता चेहरे की खत्म हो जाएगी, और धीरे धीरे मैंने सुना है कि बच्चा जो बढ़ता है पेट में तो पेट बड़ा हो जाता है। बोले वो तो होगा ही, बच्चा जब पेट में रहेगा तो मान लो रात में चोर आ गए और तुम तो सब भाग जाओगी और मेरे से पेट से भागा नहीं जाएगा, और मैं कहीं ठोकर खा के गिर गई तो मेरे संकट आ जाएगा। ऐसे उसने एवं कुतर्क करतेणे अनेक तरह के कुतर्क किए और वो फल नहीं खाया। पड़ोसन ने कहा, बहना थारे जचे जोकर मैं तो चली, वो भी थक करके चली गई। तब तक उसकी एक दूसरी छोटी बहन थी, वो आ गई, कहा कि बहना किसा चिंता में, अरे काय करूं थारा जीजा जी पागल हो रही हो छे छोरा के पछाड़ी, एक बाबा जी से कोई फल ले आयो के खा ले। बहना ने कही तो खा ले नहीं। अच्छा तू नहीं खाबो चाहे तो ऐसे कर, मेरे बच्चा होने वाला है तो, बोले इस फल को तो तू तेरी गाय को खिला दे तो बाबा जी की परीक्षा हो जाएगी, सच्चा होगा तो गाय के भी बच्चा हो जाएगा, और तू अब अंदर घर में ही रहना शुरू कर दे और धीरे धीरे पेट पे 2-4 दिन में एक कपड़ा फिर 2 कपड़ा ऐसे धीरे धीरे पेट को बड़ा करती रहे, और जीजाजी से कह देना कि भाई मेरे तो बच्चा होने वाला है। अब घर के अंदर रहे ब्राह्मणी, पंडित जी के लिए कह दिया कि अंदर नहीं आए, अपनी सेविकाओं से कह दिया अंदर मत घुसने देना। धीरे धीरे पेट बड़ा हुआ, समय हुआ, इधर जब उसकी बहन के बच्चा हो गया तब उस बहन ने सब विधि बता दी, मेरे पति पैसे के लालची हैं, उसको तू पैसा दे देना, वो बच्चा तुझे दे जाएंगे। बोले दूध कैसे पिएगा? बोले फिर तू जीजाजी से कह देना कि मेरे बच्चा तो हो गया पर मेरे स्तनों में दूध नहीं आया, मेरी बहन के अभी बच्चा हुआ है उसका बच्चा मर गया, इसलिए उसको मेरे यहां ला करके रख दो। सारी दोनों बहनों ने योजना बना ली। इस बीच में पड़ोसन ने कहा, रही तू ब्राह्मणी ऐसे कैसे काम चलेगा, तो तेरे बच्चा होने वाला है तो काम धंधा करने के लिए कोई तेरी ननद को बुला ले, भाई भाभी के बच्चा होता है तो ननद आती है ना 4-6 महीने पहले से ही, उसकी सेवा करती है और फिर उसको बढ़िया भेष पहनाया जाता है, बढ़िया उसको माल ताल देते हैं। लेकिन धुंधली कहती है कि मेरी ननद तो महान चोटी है, मैं तो सो जाऊंगी बिस्तरों पे और वो सारा मेरे धन को लेकर के चली जाएगी, मैं तो ननद फनद को कोई को नहीं बुलाऊं। ऐसे कुतर्क कर करके और उसने 9 महीने का समय निकाला, आखिर बच्चा हो गया, उसने अपने पति के साथ में वो बच्चा भेज दिया। ब्राह्मणी ने
ब्राह्मण को सूचना दे दी मेरे सुख पूर्वक प्रसव हो गया है लेकिन दूध नहीं है, कोई व्यवस्था करो। बोले अब क्या करूंगा व्यवस्था। बोले मेरी बहन के बच्चा हुआ, वो बच्चा मर गया, उसको ले आओ, उसके दूध है वो पिला के बड़ा कर देगी। साड़ी जी को ले आए, अब साड़ी जी ने उस बच्चे को, तो उसका बेटा ही था वो, तो दूध पिला करके बड़ा किया। धीरे धीरे समय निकला महाराज, उस गाय के भी एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। अब उसका शरीर तो आदमी जैसा और कान उसके गाय के बच्चे जैसे, इसलिए नाम हो गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधकारी महाखले। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी हुए और और धुंधकारी दुष्ट पैदा हो गया। छोटा था ही, जब इसे ही छोटे छोटे बच्चों को एक चुमटा भर ले, कोई कांटो घुसा दे, कोई थप्पड़ मार दे, ऐसे उदम करता था। किसी को सूखे झेरे में फेंका बच्चों को। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, फिर चोरियां करने लगा, फिर वेश्याओं को घर में ले आया, फिर पिताजी को बड़ा दुख हुआ। एक दिन पिताजी घर से निकल गए, गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण से कहा कि बेटा, बोले पिताजी क्या बात है। बोले बेटा बहुत दुखी था, अब ये ब्राह्मण पहले संतान नहीं थी तब भी रोने आया था और आज संतान है तब भी रोने आया है। पहले संतान के लिए रोया, अब संतान दुष्ट पैदा हो गई इसलिए रो रहा है। बताओ संसार में सुखी है कोई। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्या बात है। बोले बेटा घर के अंदर रहूं तो रहूं कैसे, धुंधकारी ने घर को नरक बना दिया है, और बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे, मन के अंदर इतना त्याग नहीं है कि घर छोड़ के चला जाऊं। तब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश किया, ज्ञान किया, इसको भागवत में कहते हैं गोकर्ण गीता। कई गीताएं आएगी इसके अंदर, इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि ये उम्र में छोटा है तो ये कल का छोरा हमें क्या उपदेश करेगा। अरे भाई ज्ञान में कोई उम्र नहीं होती है, कोई बल वृद्धा, कोई जन वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई उम्र में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो है कि जो ज्ञान में बड़ा है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। बस इसके बाद आरती की तैयारी। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी कि देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचे पश्या निसं जगदिदं क्षण भंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं। हे पिताजी इस बुद्धि को, इस मति को, इस ज्ञान का त्याग कर दो। ये देह अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ एक पुतला है। क्या है शरीर के अंदर? हड्डियां, हड्डियों के ऊपर नसनाड़ियां, फिर उसके अंदर खून, फिर मांस का लेप कर दिया, उसके चमड़ी से मढ़ दिया, यही तो शरीर का सत्य है। ये मैं ये शरीर हूं, इस मति का त्याग कर दो। जाया सुतादिशु सदा ममता विमुंचे पत्नी पुत्र धन संपत्ति, इनसे ममता को हटा लो। कई लोग क्या कहते हैं, पंडित तो उपदेश तो खूब करे भाई, धन कोई काम को नहीं है, इससे ममता हटाओ, और फिर खुद सब भर के ले जाते हैं। असल में मां भी उनने पाप ही कमाया है, वो ये नहीं समझ पाए कि बात क्या है। शास्त्र ये कह रहा है, आचार्य ये समझाता है, धन का त्याग नहीं करना है, स्त्री का त्याग नहीं करना है, परिवार का त्याग नहीं करना है, आप कर नहीं सकते उसका त्याग, कर ही नहीं सकते। घर छोड़ के चले जाओगे तो भी संसार तुम्हारे साथ में रहेगा।
हिमालय में चले जाओगे तो भी संसार तुम्हारे साथ में रहेगा, इस शरीर को त्याग दोगे तब भी संसार तुम्हारे साथ में रहेगा, उस शरीर को त्याग दोगे तो भी संसार तुम्हारे साथ में रहेगा। तीन तरह के शरीर हैं, तीन तरह के लोक हैं, तीन ही गुण हैं। एक ये स्थूल शरीर है, इसमें से एक छोटा सा शरीर निकलता है जो इससे अलग होने के बाद में अंगूठे के बराबर का, वही ऊपर के लोकों में जाता है। देखा है हमने, किसी ने नहीं देखा ना, किसी ने तो देखा होगा, मैंने देखा है, इसलिए बात को प्रमाणिक मान लेना। जैसे ही शरीर में से निकलोगे ऐसी की ऐसी कलाणी निकलेगी उमे से, भाई पीड़ो लुगड़ो, भाई कांटो, भाई काड़ो कब्जो, लेकिन उका शरीर कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा, और वो दिखता नहीं है किसी को आंखों से, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो 17 तत्व का होता है। फिर वो जाता है स्वर्ग नरक भोगने के लिए, फिर वहां से स्वर्ग नरक भोगने के बाद में अगर कोई पुण्यात्मा है तो वो उसमें से एक और शरीर निकलता है, उसको कहते हैं कारण शरीर। वो कारण शरीर ब्रह्म लोक तक जाता है, ब्रह्म लोक तक भी भोग करके पुण्यों को, और वापस यहीं आ जाता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन है, ब्रह्म लोक तक सब आने जाने वाले हैं। तो इस शरीर को, धन दौलत को त्यागने का मतलब अच्छी तरह से समझो, ताकि फिर किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं हो तुम्हारे मुंह से। त्यागने का मतलब है ममताम विमुंचे, यानी जो पत्नी हमारी नहीं है, तुम्हारी है क्या? अगर है तो तुम्हारे साथ में आई है क्या? तुम्हारे साथ जन्म लिया क्या उसने? पत्नी ने तुम्हारे साथ जन्म लिया है क्या? नहीं लिया ना। तुम्हारे साथ जाएगी क्या जब मरोगे? जब नहीं जाएगी, तुम्हारी कैसे हुई? धन जब तुमने जन्म लिया तब तुम्हारे पास था क्या, लेकर के आए थे क्या? जब जाओगे तब साथ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बेटा बेटी कुछ भी ऐसी मान लो, एक चीज से सबको मान लो, ये चीजें हमको मिली है, और जो मिलती चीज है ना वो काम के लिए मिलती है। ये माइक मुझे मिला है कथा कहने के लिए, 7 दिन बाद में मैं इसको उठा के चलूंगा तो क्या कहोगे? अरे महाराज, बेईमानी की भी हद होती है, हमने तो आपको कथा सुनाने के लिए माइक दिया था, आप घर ले चले इसको, तो बेईमानी है कि नहीं? क्योंकि मैंने इसको अपना मान लिया। तो शास्त्र कहता है जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचे, जो चीज तुम्हारी नहीं है, जिसको तुमने अपना मान रखा है, उस मान्यता का त्याग कर दो। न वस्तु का त्याग करना है, न कोई परिवर्तन करना है, न जाति बदलनी, न वेश बदलना, न देश बदलना है, न रूप बदलना है, न कपड़ा बदलना है, कुछ मत बदलो। जो तुम्हारा नहीं है, जिसको तुमने अपना मान रखा है, उस मान्यता का त्याग कर दो। बस इतना सा काम करना है, हो जाएगा? नहीं हुए? क्या क्या मुश्किल है? पत्नी भी पास में रहेगी, रखो, शरीर भी रहेगा, धन दौलत भी रहेगी, रोटी भी खानी पड़ेगी, कमाना भी पड़ेगा, सब करो। भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सब करो। भगवान ने भी 16108 रखी है, उनका भी बहुत बड़ा साम्राज्य परिवार, सोने की द्वारका, क्या हमारे पास में क्या संपत्ति रहेगी महाराज? उसको भी छोड़ करके द्वारकाधीश अपने धाम को चले गए। तो उन्होंने काम में लिया, लेकिन अपना नहीं माना किसी को। इसलिए सिर्फ अपना मत मानो, मानो। कितनी सी बात करनी है? मत मानो। जो मानो है आपने, दो अक्षर है मानो, उसमें दो और जोड़ दो, मत मानो, बस। अंदर से, बाहर दुनिया को बताने के लिए नहीं कहना है कि आज से मैंने तेरे को मैं नहीं मानता हूं पत्नी, नहीं तो शाम को ही रोटी के ताते पड़ जाएंगे महाराज, ये देवियां रोटी नहीं बनाएगी, बेटे बेटी रोटी नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब का भाव समझो, मानना स्वयं के द्वारा होता है, करना शरीर के द्वारा होता है, जानना बुद्धि के द्वारा होता है, और मानना खुद के द्वारा होता है।
अपने मन में ये मान लो, ये मान लो। गीता में भगवान जगह जगह ये बात कहते हैं, भागवत में ये बात कहते हैं कि अर्जुन तू मान ले और कुछ मत करे। मैं कह रहा हूं जो मान ले मेरी बात को, जिसमें तेरा उद्धार हो जाए। हम सब कुछ करते हैं लेकिन मानते नहीं है। आप कथा भी करवाते हो, पैसा भी खर्च करते हो, सुनते भी हो, समय भी देते हो, सेवा भी करते हो, श्रद्धा भी है, लेकिन मानते नहीं है। और तुम कुछ मत करो, सिर्फ मान लो। 7 दिन ये बात कहूंगा कि मान लो, और एक बात भी मान लोगे ना तो सारी बात मान लोगे। जैसे चावल बनाते हैं, आजकल तो लगन में नहीं बनता होगा, पहले तो आपनी शादी हुई जब तो पर्चा चढ़िया था मैडम का, अब तो नुक्ति पुड़ी बनती होगी, भूखो और खाओ जाओ। अब चावल बनाया पूरे पर्चे में, अब सीधे एक नहीं सीधे तो क्या करते हैं, एक चावल देखते हैं, देख लियो सीध गयो, हाँ भाई सीध गया उतार लियो। एक बात पे मान लिया बस, एक चावड़ में के सीध गया तो सब सीध गए। तो एक बात को मान लोगे ना तो सब बात मान लोगे, और एक नहीं मानोगे ना तो कुछ भी नहीं मानोगे। इसलिए 7 दिन में नोट करके रखना कि एक बात मानी हमने बैद जी महाराज की, तो बस उसी से ही कल्याण हो जाएगा और मेरा गला फाड़ना और कथा कहना सार्थक हो जाएगा। यही दक्षिणा मेरी। तो बोलो राधे राधे, और धीरे राधे राधे। खान तक हवा भरू तुम्हारे अंदर, आज तो पहलो ही दिन है, एकादशी भी नहीं है आज तो। चलो तो महाराज बढ़िया उपदेश दिया और आत्मदेव को वैराग्य हो गया और सब छोड़ करके वन में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और अंत में परमात्मा को प्राप्त हो गए। धुंधकारी आया घर में, माँ से कहा धन कहाँ रखा है बता, उसको मार मूर करके धन लेकर के वैश्याओं के साथ चला गया। एक दिन चोरी की, बड़ी चोरी की, वैश्याओं ने रात में उसको पकड़ के बांध दिया, बोले राजा की चोरी की, अपन पकड़ में आएंगे तो मारी जाएंगी, इसको खत्म करो। मार दिया उसको और वही धुंधकारी फिर प्रेत बन गया। अब प्रेत बने उधर उधर डोले, गोकर्ण जी यात्रा में चले गए, पिताजी परलोक को चले गए, माँ को उसने मार दिया। अंत में साहब जब तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी एक दिन घर पे आए तो माँ वो भूत के रूप में, प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। कभी मेंढा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी कबूतर बन जाए। आखिर उसने जल के छींटे दिए गोकर्ण जी ने, बोल कौन है तू। तब उसने कहा कि अहम भ्राता तदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामते स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितो मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैंने मेरे बुरे कर्मों के कारण ही और ये मेरी दुर्गति हो गई है, कृपा सिंधो हे मेरे भाई, मेरी मुक्ति का कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा अभी तो तू जा, मैं करता हूँ। सुबह गांव के लोग मिलने लिए आए, गोकर्ण जी ने सबको बात सुनाई और फिर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य ने भगवान को जो है गोकर्ण जी को भागवत का श्रवण करवाने का उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों को बुला करके भागवत की कथा श्रवण करवाई। धुंधकारी भी आया लेकिन वो आके बैठे पर हवा चले तो वो उड़ जाए, क्योंकि वो तो प्रेत है, शरीर तो है नहीं उसके पास में, सूक्ष्म शरीर है। तो फिर बार बार आबेर हवा उसको उड़ा के ले जाए, वो सुनना चाहता है क्योंकि मोक्ष चाहता है अपनी। तो फिर एक 7 बांस का, एक 7 पंगेड़े का बांस रखा हुआ था देव योग से, तो वो पोला होता है नीचे से, तो नीचे की पंगेड़ी में घुस के बैठ गया। रोज कथा सुने, एक दिन में एक गांठ खुली, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऐसे 7 दिन के अंदर 7 गांठ खुल गई, बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से धुंधकारी सुंदर चतुर्भुज रूप धारण के प्रकट हो गया और भगवान के दूत उसको लेने के लिए आ गए विमान लेकर के। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की।
गोकर्ण जी ने देवताओं से कहा, रे देवताओं कथा तो सब गांव वालों ने सुनी, विमान लेने के लिए ये इस धुंधकारी को विमान क्यों आया? देवताओं ने कहा कथा श्रवण भेदे ने, इसने चित्त लगा करके चिंतन करके दिन में कथा सुनता और रात को चिंतन करता, आज कथा में क्या क्या सुना है, उससे इसकी मुक्ति हुई है। अगर गांव वाले भी ऐसी कथा सुने, दिन में कथा सुने रात को चिंतन करें उस कथा का, तो इनको भी विमान आ जाएगा। 30 साल बाद में फिर गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुला करके कथा को सुनाई और उस कथा के प्रभाव से फिर सबके लिए विमान आया और उस पे बैठ करके जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत धाम पधारे, ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज अपने समस्त गांव वालों को लेकर के और भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद श्री सूत जी महाराज को सूत जी ने भागवत की सप्ताह की विधि बताई और अंत में भक्ति माता प्रसन्न हो गई, नृत्य गान हुआ और फिर भगवान का वहाँ पर प्राकट्य हो गया। सुखदेव जी महाराज भी वहाँ पर आकर के प्रकट हो गए और सब नृत्य करते हुए भगवान की आरती करने लगे हैं। अब आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। कल से कथा ठीक 11 बजे शुरू होगी। आज का दिन सब जगह ऐसे ही होता है, आपाधापी में चलता है, फिर भी जो है 1 घंटा मैंने ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सुनो, अभी ध्यान से सुनो, कल 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 4 बजे तक कथा सुन चलेगी, इसलिए आप सबसे करवद्ध प्रार्थना है कि समय का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमको कथा का लाभ मिले, इसलिए समय से पधारना। अभी जितने भी भाई बहनें माता बहनें आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, उन सभी के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था है, सब भोजन करके जाएंगे और सुबह भी अपना भोजन करके आएंगे और फिर दिन भर कथा सुनेंगे। रोज कथा सुनो और रोज भंडारा पाओ, शाम की टेंशन नहीं रखना, लेकिन कथा सुनो। बोलिए भागवत महापुराण। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती करें। कौन सी आरती जो आती है कर दो, भागवत भगवान करते गुरु करुणावतार संसार भुजगेंद्र हार सदा वसंतो हृदयारविंदे भवो भवानी से तो नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों या पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा।
मन पुनीत पापो बदलाने वाले हरि दर्श कराने वाले शांति गीत पावन पुनीत पापो बदलाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करनी है दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती आप लोग को आप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आप लोग को आप से है तारती मधुर बोल रघुपत खोल सन्मार्गे पुकारे वाले बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल रघुपत खोल हल बाल के बिगाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम श्री राम ही घनश्याम प्रभु महिमा की है आरती आप लोग को आप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आप लोग को आप से है तारती आप लोग को आप से है तारती आप लोग को आप से शांतिरंतरिक्षुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रूखद शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांति रेव शांति साबा शांति रेधि जगदेन जगन वैजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि तेहना का महिमाना सचंद्रिय त्रिपूर्वे साध्या संति देवा ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा नंदनाय धीमहे तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम ब्रजमानुजाय विद्महे कृष्णवल्लभाय च धीमहे तन्नो श्री राधे प्रचोदयात् ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहे तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवंत कापकुल चंपक बाटलाब्जे पुनर्गजात कर वीर साल पुष्पे बिल्प प्रवाल तुलसी दल मंजरे में स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणं परमेश्वर ठीक है ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः जे तीर्थानि प्रशंसका स्थानि खंगणा तेखा गुं शास्त्र योजने वधनमानि तन्मसि बोले भागवत महापुराण की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले राधे रानी की बोले बालाजी महाराज की धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो संत महात्माओं की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो श्री मधुपुरी हनुमान जी की जय हो बस्ती माता की जय हो नमः पार्वती पते हर महादेव जय जय श्री राधे बोल आज के आनंद की जय हो सभी आनंद से आरती लें और प्रसाद पाएं भोजन करके फिर अपने अपने घरों